ओके जी मैं अभी कल जो हमने सवाल किया था क्वेश्चन 8 उसके कुछ एक दो चीज़ें डिस्कस करते हैं या रिवाइज करते हैं दोबारा। फिलहाल आप मुझे क्वेश्चन नंबर 11 में बता दें, कोई मसला तो नहीं आया था। अच्छा, वो हजरात हाथ खड़ा करें जिनका क्वेश्चन 11 पहली ट्राई में टैली हो गया था। अच्छा, ज़रा खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। क्वेश्चन 11 पहली ट्राई में टैली हो गया था, कितना टाइम लगा? 27 सीरियसली 27 मिनट? नहीं नहीं यार, 27 मिनट्स, 50 to 55 मिनट्स जी, 35 मिनट, 50 मिनट्स, 30 मिनट, कितने? 35 मिनट, 30 मिनट, 27 मिनट, 35 मिनट, 50 मिनट। अच्छा, आप क्या करते हो, वर्किंग्स वगैरह 1, 2, 3, 4 के अलावा करते हो? पूरी पूरी मतलब नहीं लेते ना वर्किंग्स, पूरी पूरी नहीं करते, उसी के अंदर कर देते हो, एस टू पी, पी टू एस, उसी में गेन लॉस निकाल देते हो। आप क्या करते हो? सारा नीट करके करते हो आप? सारा गंदा करके करते हो? गंदा करके करते हो यार। अच्छा, एक फर्क ये हो गया, लेकिन नीट और गंदा करने में कोई 20 मिनट का फर्क नहीं होना चाहिए, नीट और गंदे में 1-2 मिनट का फर्क होना चाहिए। पी एंड एल और बैलेंस शीट दोनों इकट्ठे शुरू कर देते हो, ये थोड़े से रिस्की अप्रोच है। मेरे ख्याल से बैलेंस शीट अगर आप पहले बना लें तो पी एंड एल में 5 से 6 मिनट लगते हैं, मेरा ये तजर्बा है। ठीक है, चलो, तो आपको टाइम ज्यादा लग गया, इसको कम लगा ना, ये मसला है। आप 35 मिनट वाले हो, आप बताओ आप क्या करते हो? क्या? अच्छा, तो वर्किंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के अलावा वर्किंग्स खोलते हो या अंदर ही बीच में फिट करते रहते हो? जैसे जैसे जवाब आते हैं वैसे वैसे पोस्टिंग करते रहते हो। ठीक है, तो बैठ जाएं भाई। अब एक ही बाग में डिफरेंट किस्म के फूल आपके सामने खड़े हुए थे, कुछ फूल में कई रंग था, कुछ फूलों में कोई रंग था, लेकिन टाइम को कम करने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि फूलों के साथ फिर कांटे भी होते हैं, तो टाइम को कम करने की कोशिश। ठीक है, इसमें कोई ऐसा कोई मसला तो नहीं था, डिस्कशन वाली बात तो नहीं थी। अच्छा, ये सवाल अक्सर बच्चे पूछ रहे हैं ऑनलाइन की जूम मीटिंग में कि किन एसेट्स की डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में जाती है और किन की एडवांस सेलिंग में जाती है। तो अगर पेपर में लिखा हो फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री फर्नीचर, फैक्ट्री प्लांट, फैक्ट्री मशीनरी, तो कॉस्ट ऑफ सेल में जानी है। अगर पेपर में प्लांट या इक्विपमेंट का लफ्ज आ जाए और इसके साथ फैक्ट्री ना लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट प्लांट या इक्विपमेंट फैक्ट्री में ही यूज होते हैं, तो इनकी भी कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगी। इसके अलावा अगर पेपर में आ जाए बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, इस तरह के ग्लव्स आ जाएं तो उनको एडमिन सेलिंग में डाला जाता है। एडमिन सेलिंग का इकट्ठा नाम है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, अच्छा, एक तो कल वाली डिस्कशन हमने करनी है, क्वेश्चन नंबर 20 निकालें कंसोलिडेशन वाला, इसी सफ़े इसी में पेज नंबर 664 से पीछे आए।
क्वेश्चन नंबर 20 किधर है? 650. अच्छा यार, ये सफ़ा ना बड़ा इम्पोर्टेंट है. ये जो सफ़ा है, आपके पास जो टूल्स हो ना बुक में, यानी जो मेन चीज़ें हो, उनको ज़रा हाथ में रखा करें. पेज 650, वेरी इंपॉर्टेंट पेज, पेज नंबर 650 इंपॉर्टेंट है. इसमें असल में बात यह हुई है, थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो, थोड़े से पैसे ले लेना, थोड़े से शेयर ले लेना, थोड़े से डिबेंचर ले लेना. अगर अच्छा परफॉर्म करे सब्सिडरी तो पैसे ले लेना, अच्छा ना परफॉर्म करे ना पैसे लेना, या कम पैसे लेना ज़्यादा पैसे लेना, ये सारी डिस्कशन हुई है. कोई बंदा मुझे ये बता सकते हैं इस पेज की जनरल एंट्रीज बुक में कहाँ लिखी हुई है? पेज 650 पे, कोई पेज नंबर 28, 20, 25 था कोई? पेज नंबर 20, ये फरमा रहे हैं पेज नंबर 20 के ऊपर 27, पेज नंबर 27 पे ये फरमा रहे हैं कि इसकी जनरल एंट्रीज भी लिखी हुई हैं. तो ये ना, जिस तरह आप हैंड रिटन पेजेस को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इसी तरह आप इंपॉर्टेंस दें पेज नंबर 27 को. और मेरी एक फीलिंग है कि हर अटेम्प्ट में दो एडजस्टमेंट्स दो यहां से आ रही हैं, हर अटेम्प्ट में दो एडजस्टमेंट्स यहां से आ रही हैं. जो सात एडजस्टमेंट्स आपके सामने लिखी हुई है ना, इनमें से कम दो एडजस्टमेंट्स हर अटेम्प्ट में वो टेस्ट, कभी पैसे दे रहे हैं, कभी शेयर दे रहे हैं, कभी बिल्डिंग दे रहे हैं अपनी, कभी डिवेंचर दे रहे हैं, कभी पैसे देने का वादा कर रहा है. तो ये पेज बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो एक तो हो गया ये पेज हमारा, अल्लाह का शुक्र है हमने यहाँ सवालों को लिंक किया हुआ है, क्वेश्चन 17-18 सब लिंक किया हुआ है. तो एक तो पेज 27 हो गया, और दूसरा हमारे पास टूल अवेलेबल है पेज नंबर, हाँ यहाँ पर आपको इसकी प्रैक्टिस मिल जाएगी. अब इसका एक कॉन्सेप्ट हमारा रहता है, डेट इज़ क्वेश्चन नंबर 20, जो कल के सवाल में हमने कर लिया है. आज जरा उसको तफसील से डिस्कस कर लेते हैं. पी एक्वायर्ड 10,000 शेयर्स ऑफ एस. सऊदी किंग ब्रीफ केस में कितने शेयर लाया होगा सब्सिडरी के? 10,000. पी एग्रीड टू गिव या गेव या इशूड? ये ग्रीड ओनली. पी एग्रीड टू गिव इट्स 4 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स ऑफ एस. अच्छा जी, इसमें अब आप मुझे बता दें हम क्या करते होते थे. अल्लाह करे वो वर्किंग कहीं मिल जाए. हम क्या करते होते थे, इस तरह कुछ हम करते थे, इस तरह करते थे कुछ. इस सवाल से देख के बताएं, पी बॉट 10,000 शेयर्स ऑफ एस. पी विल इशू इट्स, विल इशू या एग्रीड टू इशू, शेयर दे दिए या शेयर देने का वादा किया है? पी एग्रीड टू इशू इट्स ऑन शेयर्स. जी कितने के बदले कितने? बोले 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 5 के बदले 4. अच्छा नीचे मैंने क्या कहा था, किसके शेयर रखने हैं? सब्सिडरी के, छोटा है वो, इसके सब्सिडरी के नीचे और ऊपर पेरेंट के. जी 10,000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 4. जी क्या जवाब आ गया? 8,000 शेयर किसने किसको देने हैं? जी एक्सलेंट, पेरेंट ने सऊदी किंग को देने हैं. दे दिए या देगा? तो इन्वेस्टमेंट डेबिट करूं और ये एंट्री करूं जो पहले हम करते थे, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट, या इन्वेस्टमेंट डेबिट करके परचेज कंसिडरेशन पेएबल क्रेडिट, परचेज कंसिडरेशन पेएबल क्रेडिट, परचेज कंसिडरेशन पेएबल. अब जब आपने शेयर प्रीमियम और शेयर कैपिटल अलग करना ही नहीं, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर अब आप क्या कर लेंगे, डायरेक्ट एंट्री किससे कर लेंगे? 8,000 शेयर्स, लेकिन मुझे बताएं एक्विजिशन डेट पे कितने का शेयर है? 14 का. कितना हो गया? 112,000. नोट कर लेंगे. इसमें एक और चीज आगे दी हुई है, वो मैं फिर बाद में बताता हूं. ये कौन से पेज पे आप नोट करेंगे? उसी पेज पे, पेज पे चेक नोट कर लें. कौन सा पेज चल रहा है? 650. यार अब इतनी लंबी छोटी कैलकुलेशन ना किया करें, 10
पेपर में बस ये करना होगा, 10 divided by 5 into 4 पेपर में अंग्रेजी नहीं लिखने बैठ जाना, ओके पी ए क्वाइट शेयर्स ऑफ एस ऑन यकम जनवरी 15 पी एग्रीड टू गिव ऑन यकम जनवरी 19 कितने साल बाद, 4 साल बाद, इट्स 4 shares फॉर एवरी 5 shares ऑफ एस, पी के शेयर प्राइस है एक्विजिशन डेट पे कितनी 14 2015 16 17 18 भैया ये यकम जनवरी 19 है, एनी कंफ्यूजन ये क्या डेट है बोले यकम जनवरी 19। अच्छा मुझे ये बताएं इस दिन पी का शेयर कितने के बाजार में, 14 रुपए का, हमने एंट्री किससे की है 14 रुपए से, नजर आ रहे हैं 14 रुपए, इस दिन शेयर कितने का हो गया जीयर एंड पे 15 रुपए का हो गया, मे बी इस दिन शेयर 19 रुपए का हो जाए, ऐसी बात कर रहा हूं, जिस दिन शेयर इशू करना हो उस दिन कितने का हो जाए 19 का हो जाए। भाई ये एंट्री करके ना आपने अपने हाल पे छोड़ देनी है, इस एंट्री को जीयर एंड पे दोबारा छेड़ना नहीं है, इस एंट्री को जीयर एंड पे दोबारा छेड़ना नहीं है, ये अल्लाह आपका भला करे ये पहले आप ये लिख लेना, इस एंट्री को एक्विजिशन डेट के बाद छेड़ना नहीं है, इस एंट्री को एक्विजिशन डेट के बाद प्राइस चेंज होने की वजह से छेड़ना नहीं है, लिखें इस एंट्री को एक्विजिशन डेट के बाद प्राइस चेंज होने की वजह से छेड़ना नहीं है। लिख लिया, अच्छा ये मैं आपको जरा इंग्लिश में दिखाने लगा हूं जो आई कैप की बुक के अंदर जो है वो बात लिखी हुई है, ये एक फिक्रा मैं आपको पढ़वाने लगा हूं आई कैप की बुक से, द शेयर प्राइस एट द डेट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी 14 रुपए, is used not that at the date of issue, बल्कि acquisition date की use की जाएगी, not that at the date of issue वाली date की use नहीं की जाएगी, किस दिन की use की जाएगी, because IFRS 3 specifically mentioned that in case shares are issued as a part of purchase consideration, such shares are valued at market value at the बस एक्विजिशन डेट वाली मार्केट वैल्यू लेनी है, बाद वाली मार्केट वैल्यूज को आपने क्या कर देने इग्नोर कर देने, तो पेपर में दिया करेगा मार्केट वैल्यूज बाद वाली डेट की, ताकि आप दोबारा कुछ इस एंट्री को छेड़ने की कोशिश करें, लेकिन ये एंट्री ऐसी एंट्री है जिसको करके आपने अपने हाल पे छोड़ देने, बाद में शेयर प्राइस से कोई चेंज नहीं लानी। बहरहाल इसमें अकाउंटेंट्स की डिफरेंट राय आई होंगी, लेकिन IFRS 3 ने जो कंक्लूजन निकाला वो ये निकाला कि शेयर देने का जो वादा है ना इसको बस 14 रुपए पे ही रख और बाद में आपने कभी छेड़ना नहीं है, डन। अब आप मुझे बता दें ये किस दिन एंट्री हुई, यकम जनवरी 15। अगर ये एंट्री हो गई यकम जनवरी 15 को, तो यकम जनवरी 15 को ये एंट्री हो गई, यकम जनवरी 16 को कोई एंट्री
एक्सेलेंट। यकम जनवरी 16 ना पढ़े ना, 31/12/15 कर लेते हैं। 31/12/15 को की एंट्री, 31/12/16 को नहीं होगी। सिमिलरली 31/12/17 को, क्योंकि आपने एंट्री को अपने हाल पे छोड़ देना है। 31/12/18 को कोई एंट्री नहीं होगी। 31/12/18 को कोई, यकम जनवरी 19 को एक एंट्री होगी। यकम जनवरी 19 को एक एंट्री होगी, वो जरा हिम्मत करके कोई मुझे बता दे। यकम जनवरी 19 को जब शेयर इशू किए जाएंगे, जब शेयर इशू किए जाएंगे, बोलें परचेज कंसिडरेशन पेबल डेबिट 1,12,000 और शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। अब 14 रुपए कोई बेस बनाना है, 14 रुपए कोई बेस बनाना है, लेकिन इसमें 10 रुपए कहां डाल दें? 8,000 × 10 80,000 और 8,000 × 4 कितना? 32,000। चलें ये नोट कर लें ना, 15 को की एंट्री ना 16 को, पेपर में देगा परेशान करने के लिए डेट्स, डिफरेंट डेट्स की मार्केट प्राइसेस देगा। सिर्फ किस डेट की मार्केट प्राइस देखनी है? एक्विजिशन डेट की। अच्छा ये ट्रांजैक्शन है क्या? शेयर देने का वादा। तस्वीर लेनी है तो ठहरो, अब ले लो। ओके चलें जी, इट्स ओवर। ये हमारा एक लास्ट कॉन्सेप्ट था, वो रहता था। तो ये मैंने 19 रुपए से अपनी तरफ से लिखी है, ये डेट ऑफ इशू के ऊपर है, ये डेट ऑफ इशू के ऊपर है, ये एक्विजिशन डेट के ऊपर है, ये जीयर एंड के ऊपर है। तो हमने सिर्फ किस डेट की लेनी है? अच्छा अगर पेपर में 1 महीने बाद शेयर इशू करा दे, 1 महीने बाद शेयर इशू करा दे और 15 रुपए का हो तो भी एक्विजिशन डेट की लेनी। ओके अब हमारे कल वाले सवाल की तरफ वापस आ जाए जो हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाइट बोर्ड पे किया था। क्वेश्चन नंबर 8 जी मोहतरम, इसमें जो सवाल में दुखती रगें थी ना, दुखती रगें, उनको मैं रिवाइज करवाने लगा हूं। पहली दुखती रग सली से इसको पढ़ें। एक मिलियन शेयर्स पेरेंट के ले लो, जैसे भी 8,000 थे, 1 मिलियन शेयर पेरेंट के ले लो। द परचेज कंसिडरेशन वॉज मेड अप ऑफ, 1 मिलियन शेयर पेरेंट के ले लो। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन पीस शेयर वर बींग ट्रेडेड एट ₹5 पर शेयर। ये कौन सी डेट की फेयर वैल्यू होगी? एक्विजिशन डेट की। बट द प्राइस हैज राइजन टू ₹6 बाय द टाइम शेयर वर इशूड इन अगले साल का पहला दिन। पेपर में कैसे इल्हाम होगा ये शेयर इशू नहीं कर दिए, इशू करने वाले हैं। ये देखें एक मजे की बात लिखी हुई है, वैसे तो उसे अंग्रेजी पता क्या लिखनी चाहिए थी, द परचेज कंसिडरेशन कंप्राइज ऑफ 1 मिलियन शेयर्स इन पीएल टू बी इशूड, ये अंग्रेजी होनी चाहिए थी, लेकिन टू बी इशूड उसने लिखा नहीं, लेकिन उसने एक लाइन जरूर आ गया क्या, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन इसका शेयर 5 रुपए का था लेकिन ये 6 रुपए का हो गया बाय द टाइम इट वर इशूड। What does it mean कि अगर ये अगले साल के पहले दिन इशू हो रहे हैं तो इट आर नॉट इशूड एट ओवर ईयर। इफ दिस आर नॉट इशूड एट ओवर ईयर तो अब ये क्या सिनेरियो है? थोड़े से शेयर ले लो या ले लेना? ले लेना में हम किस नतीजे पे पहुंचे हैं कि सिर्फ एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू देखनी है, बाकी सारी इग्नोर करनी है। ठीक है अब आप मुझे बता दें इस साल क्या एंट्री होगी इस 5 रुपए की? 1 मिलियन जरा 5 करेंगे ना,
8000 14 किया था ना, तो 8 14 किए, 8000 की जगह लिखेंगे 1 मिलियन शेयर्स और 5 रुपए इधर लिख देंगे, 1 मिलियन जरा 5। ये कल एंट्री की थी, इन्वेस्टमेंट डेबिट परचेज कंसिडरेशन पेएबल, और ये नॉन करेंट लाइबिलिटीज में शो नहीं करना क्योंकि इसने फ्यूचर में किस में बदलने, इक्विटी में, तो फिर इसलिए इसको कहां शो करना है, इक्विटी के अंदर। एक ये एंट्री थी, अगली दुखती रख थी ये एस की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में खर्चा रिकॉर्ड नहीं हुआ था ये वाला, तो इसको आप पी एंड एल के एंगल से सोचें। याद रखिएगा जब कभी सब्सिडरी की ट्रांजेक्शन पोस्ट करनी होती है ना, तो पी एंड एल के एंगल से चीज दो दफा सोचनी पड़ती है, एक पी एंड एल के मुंह के एतबार से और एक वर्किंग फाइव के एतबार से। पहली बात, क्या ये पेरेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एरर है या सब्सिडरी की, तो खर्चे बढ़ाने हैं तो एडमिन एक्सपेंसेस में जाके ऐड कर दीजिएगा, पहली बात ये होगी। दूसरा, क्या ये एसआरई टाइप चीज है या सीआरई टाइप चीज है, तो एवरी एसआरई टाइप चीज एक्सेप्ट डिविडेंड विल हिट द, तो दैट्स व्हाई वी विल हिट वर्किंग फाइव, और खर्चे बढ़ाने से एस प्रॉफिट कम होगा, तो इसलिए एस प्रॉफिट में इसको शो करेंगे। अच्छा जी, अगली अब हमारी डिस्कशन रह गई थी पॉइंट ई की, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एंगल से। तो एक बात याद रखिएगा, डिविडेंड का जो बांटना है, गुड यार एक्सेलेंट, वाइट वाला भी निकालो, एक बात याद रखिएगा, जो डिविडेंड का बांटना है वो आपने वर्किंग सिक्स के एतवार से सोचना होता है, लेकिन मिलना पी एंड एल के एतवार से सोचना होता है। मिलना किसके एतवार से सोचना होता है, पी एंड एल के एतवार से। डन हो गया, तो पेरेंट ने कितना डिविडेंड बांटा, नहीं मुझे बता दें कितना है, 1000 रुपया, 220। ये शेयर कैपिटल पे परसेंटेज लगा के आपने मुझे बताया, अच्छा ये शेयर कैपिटल है 100 और 11। अच्छा जी, ये 100 रुपया कौन सा सफा है, लाल, ये बांटना हमने नहीं सोचना पी एंड एल के एंगल से। इसी तरह ये बांटना भी हमने पी एंड एल के एंगल से नहीं सोचना, इसी तरह ये बांटना भी हमने पी एंड एल के एंगल से नहीं सोचना, ये बांटना सोचने वर्किंग सिक्स के एंगल से। तो वर्किंग सिक्स में अल्लाह का शुक्र है ये पेड थे, इसलिए रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट थे, तो इन तीनों को फुल अमाउंट से हमने शो कर दिया था वर्किंग सिक्स में। अब पी का किसको मिलना है उसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि पी के ओनर बाबा रशीद वगैरह, उनकी टेंशन नहीं है हमें, तो ये तो साइड पर रखें, इसकी तो टेंशन नहीं है। अब एस ने जब बांटेगा 40, तो क्या हमें 40 मिलेगा जो हम अदर इनकम में डालेंगे, या 40 का 80% मिलेगा, तो 40 का जो 80% मुझे मिला है वो मैंने अपनी अदर इनकम में डाला है, उसकी सेल कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह डाल चुके हो तो डिविडेंड तो निकाल दो, तो सारी चीजें जब डाल चुके हो तो डिविडेंड निकाल दें। एक ये चीज निकालनी थी, ये कितनी निकालनी थी, 40 का कितने परसेंट, 80%, कितना 32, और इसके बाद एसोसिएट ने अपने सारे ओनर्स को कितना बांटा, 11, उसमें से मुझे कितना मिला, अब मुझे सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा मिला, कितने परसेंट सिर्फ, ये मिला हुआ मैंने कहां डाल दिया होगा, पी एंड एल के मुंह पे, तो इसमें मुझे कितना मिला होगा, 2.7। ये हमने निकालना है या डालना है, निकालना है, अदर इनकम में से निकालना है, क्योंकि इसकी जगह, एक्सेलेंट, इसकी जगह ए प्रॉफिट डाल चुके हैं हम पीबीटी के ऊपर, तो ये 32 और 2.75 की एडजस्टमेंट है, ये 32 और 2.75 वाली, ये नीचे फुट के तौर पे पेपर में निकाला हुआ है, पी शेयर ऑफ एस डिविडेंड एंड पी शेयर ऑफ ए डिविडेंड। ओके, अब मोहतरम आप आ जाएं उधर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, सरा इधर ही कहीं क्वेश्चन नंबर 10 होगा, पढ़ें जरा क्वेश्चन नंबर 10। जी अच्छा,
एंटिटी पी एक्वायर्ड 30% ऑफ इक्विटी शेयर्स इन एंटिटी ए, तो ए क्या बन गई? एसोसिएट ड्यूरिंग ईयर वन एट अ कॉस्ट ऑफ 147. आपने बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या जाना है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से मुराद कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी है और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम भी है. अच्छा, बैलेंस शीट में आपको जते लाइन जाती है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के नाम से, और पीएनएल में पीबीटी के ऊपर लाइन जाती है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट. आई एज्यूम कि आपने चार सवाल किए हुए हैं, एक सवाल मैंने क्लास में कराया था परसों, फिर होमवर्क दिया था, एक सवाल कल क्लास में कराया और होमवर्क दिया है, चार सवाल आप पीएनएल के कर चुके हैं, उसके बाद मैं ये डिस्कशन कर रहा हूं. ओके, बताएं जी ये 147 को मैं कहां डालूं? वर्किंग सेवन में. वर्किंग सेवन में किस नाम से? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एट कॉस्ट 147. आगे बढ़े. व्हेन द फेयर वैल्यू ऑफ एनसीए, कहां से आ गई यार, एसोसिएट में एनसीए नहीं आती. व्हेन द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एंटिटी ए वॉज 3.5 लाख, ये ईयर वन है. एट 31 दिसंबर 2005 द नेट एसेट्स वर 6 लाख. ईयर वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स. शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग का जो टोटल होता है उसको कहते हैं, बोले बोले बोले, नेट एसेट्स. ईयर वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स. शेयर कैपिटल रिटेनिंग टोटल का कहते हैं नेट एसेट्स. द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स वॉज 350 एट ईयर वन. डन. एंड द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट ईयर फाइव वॉज, तो 350 वाला गोश्त बढ़ के 600 का हो गया. शेयर कैपिटल को बराबर ही अज्यूम करेंगे, 100 रुपए अज्यूम कर लें, 100 रुपए अज्यूम कर लें. मुझे तो क्लोजिंग आ रही भी, अल्लाह का शुक्र है, मिल रही है, मुझे प्री भी मिलने लगी है. आप परेशान हो रहे हैं, पता नहीं क्या दिया हुआ, मुझे क्लोजिंग आ रही भी थोड़ी देर में मिल जाएगी और प्री वाली भी मिल जाएगी, और क्लोजिंग और प्री करके मैंने अपनी गेम डाल लेनी है, वो मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं. ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि शेयर कैपिटल को 0-0 ले लूं पेपर में, या 100-100 ले लूं, 200-200 ले लें. नहीं यार, ऐसे ज्यादा अजम्पशंस की तरफ ना जाया करें. अजीब बात है वैसे, शेयर कैपिटल 0-0 होना नहीं चाहिए बिजनेस में, लेकिन अब क्या करें, कुछ भी कर लें, बराबर अज्यूम कीजिएगा. तो आप बता दें बैलेंसिंग आ रही कितनी आ गई? 350 600. व्हाट इज दिस? क्लोजिंग आ रही, ये बैलेंसिंग आई है. सवाल में हमें नेट एसेट्स दिए हुए थे. व्हाट इज दिस? क्लोजिंग आ रही. व्हाट इज दिस? प्री. प्री ओपनिंग नहीं, ओपनिंग होती है ये वाली. इस सवाल के अंदर ओपनिंग होगी ये वाली, तो ओपनिंग तो हमारे पास नहीं है, क्लोजिंग और प्री. और वर्किंग सेवन ने कैसे चलना होता है? फॉर द ईयर या क्लोजिंग माइनस प्री? वर्किंग सेवन तो बैलेंस शीट टाइप चीज है ना, क्लोजिंग माइनस प्री. करवाएं जी क्लोजिंग माइनस प्री. इधर मैं क्या लिखूं? पोस्ट. क्लोजिंग माइनस प्री. क्लोजिंग बोले प्री 350 इंटू 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 30% 75. कैरी डाउन ट्रिपल नोट कर लें. हाँ, रिवेल्यूशन सरप्लस आएगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन असल में ना एसोसिएट के केस में रिवेल्यूशन सरप्लस हमारे सिलेबस में नहीं है. बैलेंसिंग जरूर लिखने आरी के साथ, बिकॉज आरी वॉज नॉट गिवन इन पेपर. जितना भी शेयर कैपिटल ले लें, डिफरेंस वही रहना है, कोई फर्क नहीं पड़ना. शेयर कैपिटल 100 लें 100 लें और उठ लें जो मर्जी लें. आसिम शुक्र आज दरमियान में बैठे हो, हाथ खड़ा करो. अच्छा नहीं, कोने में ही बैठे हो,
मुझे थोड़ा सा क्लास मिसमैच सा लग रहा था कि इधर वाला बंदा इधर बैठा उधर वाला, जो आपकी जगह होती है वहीं बैठा करें, ज़रा अच्छा लगता है क्लास में। ये मैं वैसे कल घर में सोच रहा था आप दोनों के बारे में, आप जो लास्ट में बैठे हुए हैं, किसी दिन आगे आके यार ज़रा देखो, आप दोनों जो आखिर में बैठे हो फिजिकल क्लास में, किसी दिन आगे आके देखो ज़रा, ठीक है? ओके, ये तंग कर रहा है, इसको इतना फ्री क्यों किया हुआ तुमने? अच्छा जी, आगे पढ़े भाईजान, पॉइंट नंबर थ्री, पॉइंट नंबर थ्री पढ़े। इन द ईयर 31 दिसंबर 5 द पैट वॉज 80। इसको कहाँ डालूं? ये है ना 80 टाइप की चीज, लेकिन वर्किंग सिक्स की अभी हमें कोई जरूरत नहीं है। वर्किंग सिक्स तो क्लोजिंग माइनस प्री प्रूफ के चक्कर में होती थी, क्लोजिंग माइनस प्री हमारा हो गया। वर्किंग सिक्स अगर आपने करनी है तो कर सकते हैं। ये क्लोजिंग आ रही है, ये पैट है, ये ओपनिंग आ रही निकल आएगी, ऐसे ही है ना, ये क्लोजिंग आ रही है, ये पैट है, ये ओपनिंग आ रही निकल आएगी। वर्किंग सिक्स आप कर सकते हैं, बट इस वक्त तो हमारे अब काम वैसे ही चल रहा है। अब आप मुझे बताएं 80 रुपये को कहाँ लेके जाऊँ? ए प्रॉफिट में, ए प्रॉफिट में 80 रुपये को ले जाएं, ए प्रॉफिट में। वर्किंग 5.1 में ए प्रॉफिट बोले जी कितना है? ए प्रॉफिट 80 का 30%। 80 को कुछ 3/12, 4/12 तो नहीं करना, क्योंकि इस साल तो पूरा साल खरीद रही ना। कितना आ गया? कैरी डाउन 24। ये कहां जाके फिगर शो होगी 24 की? पीबीटी से ऊपर, पीबीटी से ऊपर, पीबीटी से ऊपर जाके शो होगी। सीआरई में एज ऑन टाइप चीजें जाती हैं, और वो जो एज ऑन टाइप चीज है वो ये 75 है जो सीआरई में जाएगा। मेरे दिमाग की दही ना बनाओ। ये कैरी डाउन कहां जाएगा? पीएनएल के मुंह पे, किधर? पीबीटी से ऊपर। पीएनएल के एंगल से सिंगल 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 चीजें सोचते हैं, जब बैलेंस शीट बनानी होगी तो ये 75 कहां जाएगा? सीआरई में। तो एक फर्क आपको इस सवाल से ये पता चला कि बैलेंस शीट एज ऑन टाइप चीजों से खेलती है, वर्किंग 7 और वर्किंग 5.1 फॉर द ईयर वाली चीजों से खेलती है। क्लियर? ओके, चलें जी, अब वो वक्त आ गया है कि जब हम वर्किंग 7 का एक फाइनल पैटर्न बना लें, वर्किंग 7 का एक फाइनल पैटर्न बना लें। जी मोहतरम, इधर क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, ये क्या आ जाएगी? कॉस्ट। नेक्स्ट आगे क्या होगा? पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग। कैसे? क्लोजिंग माइनस प्री। एक चीज आने लगी है, डरना नहीं आपने, डरना नहीं आपने, नहीं नहीं नहीं, कोई और चीज आने लगी है। पोस्ट रिवेल्युएशन सरप्लस, क्लोजिंग माइनस प्री। क्या रिटेन्ड अर्निंग की तरह सरप्लस भी पड़ा हो सकता है? जनरल रिजर्व भी पड़ा हो सकता है, पोस्ट जनरल रिजर्व, जो मर्जी चीज हो। तो ये भी इक्विटी टाइप चीज है, इनटू 30%। और एक बार याद रखिएगा, क्लोजिंग माइनस प्री हम पेपर में कोशिश किया करेंगे। अगर क्लोजिंग माइनस प्री का डाटा ना हुआ तो मैंने कहा था फॉर द ईयर भी पोस्ट का प्रॉफिट आप उठा सकते हैं, ये भी बात याद है आपको, कल ये की थी। अच्छा, इस साइड पे तो आपको चीजें याद होंगी, कौन सी वाली आनी है? ए टू पी वाली, पी टू ए वाली, ये जरा सोच के बता दें। ए टू पी वाली चीजें आनी है, ए टू पी वाली चीजें कैसे आनी है जरा रिवाइज कर लें। किसने बेचा? ए ने। किसने प्रॉफिट बुक किया? ए ने। तो खरीदा हुआ किसकी किताबों में पढ़ा है? पी की। तो पी की किताबों में अगर खरीदा हुआ पढ़ा है तो पी का स्टॉक तो नजर आ रहा होगा, तो फिर ये ए टू पी कैसे हो गया? चलें आप दोबारा सोचें, पी टू ए, इस तरह सोचें। किसने बेचा स्टॉक? किसने प्रॉफिट बुक किया? पी ने। किसकी किताबों में पढ़ा हुआ? ए की किताबों में से माइनस कर नहीं सकते। चलें जी, तो अल्लाह का शुक्र है आखिरी दिन आपको ये भी पता चल गया कि यहाँ पी टू ए आता है।
अच्छा जी, पी टू है कौन सा वाला? पी टू ए स्टॉक का प्रॉफिट रिवर्स, वो हाँ वो पी सी एल लगा के आप करेंगे, वो मुझे खतरा नहीं है आपके बारे में। और पी टू ए गेन रिवर्स, यार अगर लॉस रिवर्स करना हुआ पी टू ए फिक्स्ड एसेट का, इस उस साइड नहीं होती है अकाउंटिंग में जी, गेन रिवर्स किसका? फिक्स एसेट का। और इंपेयरमेंट लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये चीजें आती हैं जी। लेकिन एक चीज और आती है, डिविडेंड, जितना भी डिविडेंड हो उसका 30%। लेकिन ये पता है कब आता है? बोले ये कब आता है? अगर उधर, अब मैं भी इधर उधर बोलूंगा, अगर उधर क्या उठाया है? अगर उधर पैट उठाया है, अगर इधर पैट उठाया है यानी पोस्ट डायरेक्ट उठा लिया है, पैट उठाया है, तो फिर इधर डिविडेंड भी आएगा, वरना इधर डिविडेंड नहीं आएगा। ये जी वर्किंग 7 का कोई पैटर्न है, नहीं पेपर के लिए भी यही है, पेपर के लिए तो अलग क्लास नहीं होनी। साथ वाला अकलमंद हैंड रिटन पेज में ये ढूंढ के वहीं से फिगर्स मैच कर रहा है बस, ठीक है कोई मसला नहीं। हैंड रिटन पेजेस में ये दिया हुआ फॉर्मेट एज इट इज, ये उर्दू भी लिखी हुई है, हैंड रिटन पेजेस में ये उर्दू भी लिखी हुई है, देख लें कोई और चीज तो नहीं उधर, लेकिन जरा बना लेने से याद रह जाता है। एसोसिएट्स के वो नहीं है हमारे स्कोप, गिनी चुनी एडजस्टमेंट्स है। अच्छा जिसने हैंड रिटन पेज में ढूंढ लिया ये, तो उधर कोई और एडिशनल चीज तो नहीं है? वो रिवेल्यूशन सरप्लस यही वाला ना, पोस्ट रिवेल्यूशन सरप्लस। कल आई एस 37 शुरू हो रहा है भाई जान, ओह कल आई एस 37 शुरू हो रहा है। अब 5 सवाल आए हैं पास पेपर में एसोसिएट्स वाले, हमारी किताब में 5 सवाल अवेलेबल हैं, एक लेटेस्ट एंड वाला 6 सवाल है, तो ये 5 सवालों में से 2 सवाल मैंने आपको आज होमवर्क में देने हैं, फिर एक सवाल कल, एक सवाल अगले दिन, तो ये 4-5 सवाल खत्म करने हैं साथ साथ, कल से अगला टॉपिक शुरू करेंगे आज। हाँ वो जो हमारा आधा पौना घंटा होता है उसमें हम पास पेपर के 2 सवाल आज करेंगे जो आपको होमवर्क में मैंने देने हैं, क्वेश्चन 1 और 3। ओके चाहिए, याद रखिएगा मैंने कहाँ फॉर्मेट बनाया है, ये बनाया है क्वेश्चन 10 के पास। अच्छा ठीक है ओके। और कुछ सुनोगे? संडे को भी क्लास है इस दफा, और कुछ सुनोगे? हम इस तरह कर लेंगे, इस बार सैटरडे को जो एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं उसमें कोई और टॉपिक कर लेंगे इधर उधर वाला, ये 38 टाइप या वो, ताकि जिसका दिल चाहे वो आ जाए। तो संडे को इंशाल्लाह फिर हम 3-4 घंटे की मीटिंग करेंगे इस दफा, क्योंकि अब कुछ करना है ऐसे, मैं आपको बता दूँ ना, देख लें आज क्या तारीख है, आज 29 है, तो हमारे 10 दिन आई एस 1037 के लिए हमें चाहिए, अगर आराम से करना है, जल्दी तो कोई नहीं, हमें IFRS 15 के लिए 10 दिन चाहिए, 10 दिन हमें फाइनल अकाउंट के लिए चाहिए, और 5 दिन हमें IFRS 9 के लिए चाहिए, तो 31 दिन हमारे रह गए हैं पीछे, जब 32 दिन है, और 32 टोटल दिन, और 35 हमारे लेक्चर हैं, और 5 आप ईद के चक्कर में खा रहे हैं, तो 5 उधर से गायब हो गए, और रिमेनिंग डेज हैं 32, तो 32 में से 5 आप उधर से खा जाने, संडे तो आप पता नहीं, हम सैटरडे को जो साथ कर लेते हैं वो साथ शामिल हो जाएगा फिर, तो बस कुछ इसी तरह की जंग लड़ रहे हैं हम। तो आई एस 1037 इंशाल्लाह ईद से पहले ख़त्म कर लेंगे, कैसे 30 तारीख, 1 2 3
संडे को दो लेक्चर इसके हो जाएंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ इंशाल्लाह ईद से पहले, ईद से 8 को क्लास तो होगी ना, अगर ईद 10 को हुई, यही है, अगर ईद 10 को हुई तो 8 को क्लास होगी, यूट्यूब पे भी अपलोड होगी, ठीक है, और अगर 9 को हुई तो फिर वो एक दिन आगे शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह कुछ होगा। ओके बस मैंने मंजिल बता दी है, रस्ते इंशाल्लाह तलाश कर लेंगे हम, हमने तो मंजिल पे पहुंचना है, तो ये कोई बूटी बना के नहीं मैं आपको खिला सकता। ओके जी, वर्किंग सेवन की भाई जान ले ले तू, जान ले ले मेरे भाई, जान ले ले तू वर्किंग सेवन की। अच्छा इसमें परसेंटेजेस कहाँ कहाँ साथ साथ लगती हैं, इस फिगर पे परसेंटेज नहीं लगती, ये तो कॉस्ट हमारी ही इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इधर परसेंटेजेस लगती हैं, लेकिन इन दोनों पे परसेंटेज तो हम वर्किंग में ही लगा देते हैं, इस पे भी परसेंटेज नहीं लगती। अच्छा प्रॉफिट पे परसेंटेज लगनी है तो डिविडेंड पे भी परसेंटेज लगनी है, जो डिविडेंड वो जो सबज वाला सफ़ा है वो सारा हमारा नहीं है, उसका 30% हमारा है। मैं घर से तैयारी करके आया हूँ, सब्र करें। ये क्वेश्चन 20 हो गया, क्वेश्चन 10 भी हो गया, ये अभी देखेंगे टाइम मिला तो ये निकालें जी क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन 3 मैं बताता हूँ, IS 28 का चैप्टर निकाल लें, IS 28 जी, पेज 164 क्वेश्चन 3, आज बड़ा लाइट सा एक सवाल है बस, 164 क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ पी लिमिटेड, एस लिमिटेड एंड ए लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सही है, यहां तक तो हमने पढ़ा हुआ है पैट, यहां तक हमने पढ़ा हुआ है पैट, लेकिन इस साल पेरेंट ने अपना कोई एसेट रीवैल्यू किया जिसपे 10 रुपए का सरप्लस आ गया, एसोसिएट ने कहा तू बाप तू तेज बनते, मैं भी तेरा बाप, मैं भी अपने एसेट रीवैल्यू करूंगी, एसोसिएट ने भी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट रिवैल्यू किया, तो एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट से 4 रुपए इधर आ गए, पेरेंट के 10 रुपए इधर आ गए, तो टीसीआई बन गई 44 और इसकी टीसीआई बन गई 9। सब्सिडरी ने कहा आपने अपने एसेट को रिवैल्यू, नहीं मेरा प्रोग्राम नहीं, ठीक है, पीएल एंड एएल फॉलो द रिवैल्यूएशन मॉडल, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है ना, P&L and follow revaluation model, whereas SL follow the cost model. If SL had adopted revaluation model, अगर इसने कौन सा model पसंद किया होता, ये तो खुद model है पूरा SL, अच्छा if SL ने revaluation model पसंद किया होता तो फिर इसका surplus कितना आता, 8। अब uniformity होनी चाहिए accounting policies में, तो for the purpose of uniformity हम फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन तीनों को एक ही एंगल से सोचेंगे, सो लेट्स मेक द क्वेश्चन अ लिटिल बेटर, ये मैंने मिटा दिया इधर से 22 और इधर 8 लिख दिया, वो जो ग्लासेस वाले भाई बैठते इधर नहीं आया ना आज, जी बोले 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 कितना आ जाएगा 8। ये TCA को वैसे कहीं नहीं लेके जाना होता, TCA को इग्नोर करें, इसको कहीं नहीं लेके जाना। ओके जी, ये इसका पेट है, ये इसका पेट है, ये इसका पेट है, ये इसका सारा है, ये इसका सारा है, ये इसका सारा है, हो गया जी, तो सबके पैट आ गए और सबकी सरप्लस आ गया और ये लाइन अब हम काट सकते हैं। अच्छा जी, अब ये देखना है कि 4/12, 3/12 जगह जगह करना है या नहीं करना, तो ये रेंट क्या है 319, पेरेंट ने 1 जनवरी 2017 को, काफी पुरानी बात है, 1 जनवरी 2017 को सब्सिडरी खरीदी है, इसका मतलब है सब्सिडरी को 3/12, 6/12 करने की जरूरत नहीं है, पेरेंट ने
यकम जुलाई 18 को साल के पहले दिन एसोसिएट खरीदिए, इसको भी को 3/12, 4/12 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और वर्किंग 5 में आपको पता है हम कैसे सोचते हैं कि इसमें 40% हमारा नहीं है, वर्किंग 5 में ऐसे सोचते हैं, एनसीए को देते हैं ना, इसमें 40% हमारा नहीं है। और वर्किंग 5.1 जो भी मैंने आपको कराई है उसमें हम और कहना सोचते हैं, उसमें हम कहते हैं 5 में 20% हमारा है, ऐसे ही है। ओके चलें जी, अब इनको तो वर्किंग में लेके जाने की जरूरत नहीं क्योंकि इन चीजों की टेंशन नहीं, ये तो हमारी ही है। तो इसको वर्किंग 5 में ले जाएंगे, 22 को वर्किंग 5, इसको ले जाएंगे 5.1 में, इसको ले जाएंगे 5.2 वर्किंग में, और इसको ले जाएंगे 5.3 वर्किंग में। इसका नाम एस का पैट, ए का पैट, एस का ओसीआई और ए का ओसीआई, लेकिन प्लीज ये फॉर द ईयर है, ये फॉर द ईयर है। और हमारे से मांगा भी दो चीजें मांगी हैं, कंसोलिडेटेड पीएनएल मांगे एंड कंसोलिडेटेड ओसीआई मांगी है, तो वही जिसको हम इस सारे का नाम होता है एसओसीआई। एसओसीआई के दो हिस्से हैं, पीएनएल एंड ओसीआई, क्लियर। ओके लेट्स स्टार्ट। अच्छा भैया, किसकी आइटम्स लाइन बाय लाइन ऐड करते हैं? सब्सिडरी के। और किसके वर्किंग्स में सिर्फ अपना शेयर लेके आते हैं? तो परेशान तो नहीं होंगे अगर मैं 10 में 8 जमा कर दूंगा उधर, जिस 50 में 35, 10 में 8, 6 में 5, तो 10 में 8 अगर मैं जमा कर दूंगा तो परेशान तो नहीं होंगे, क्योंकि लाइन बाय लाइन ऐसी चीजें ऐड करनी होती हैं। और इस 5 को और 4 को हम साइड पे ले जाएंगे और लेके जाके इसका सिर्फ कितने परसेंट हमारा होगा, तो कुछ इस किस्म का करने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करें, पी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ, आज सही बनने लगी ना कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, आज से पहले तो हम बनाते थे कंसोलिडेटेड पी एंड एल, आज बनने लगी है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर ईयर एंडेड 30 जून 2019, वर्किंग नंबर 5 जी, बता दें भाई वर्किंग 5 में कितना है? एस का प्रॉफिट 22, वर्किंग नंबर 5.1, छोटी 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 चीजें गौर से देखते रहें, की हुई हैं चीजें जरा ध्यान से निकलना जाए। ए प्रॉफिट 7-7 परसेंटेज लगानी है भाईजान, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसलिए वर्किंग 5.1 एक दफा और आपको रिवाइज करवाई थी, तो 7-7 परसेंटेजेस लगानी है। ए का प्रॉफिट 5 का 20%, 1 हमारा है। चलें अगली वर्किंग बता दें, अभी इन वर्किंग्स को मैं क्लोज नहीं करा अभी। वर्किंग 5.2 एस ओ सी आई फॉर द ईयर, एस ओ सी आई फॉर द ईयर, को पता चले पेपर में एज ऑन दी हो तो फॉर द ईयर मुझे चाहिए होती है सिर्फ, एस ओ सी आई फॉर द ईयर जी, एस ओ सी आई फॉर द ईयर, इसको पूरा लिख लें जैसे 22 को पूरा लिखे 8। चलें जी, ए ओ सी आई फॉर द ईयर, चलें जी बता दें ए ओ सी आई, उसके सरप्लस सारे हमारे होंगे या 20%? 20% 4 × 0.8। अच्छा ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन पूछ रहा हूं कि एडजस्टमेंट्स कहां कहां होती हैं, इधर भी होती हैं और इधर भी होती हैं, इधर एडजस्टमेंट्स तो कोई नहीं हुआ करेंगी। अच्छा एडजस्टमेंट्स वैसे किसी को याद है वर्किंग 5 वाली? एस टू पी का स्टॉक, एस टू पी का फिक्स्ड एसेट,
अगर इम्पेयरमेंट लॉस एनसीआई फेयर वैल्यू के ऊपर है, ठीक है, इसी तरह की एडजस्टमेंट यहां आती है एस टू पी वाले में। डेप्रिसिएशन ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस इधर आती है और डेप्रिसिएशन ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस इधर आती है। ये वर्किंग फाइव में एडजस्टमेंट होती है, क्लियर। और इधर क्या एडजस्टमेंट होती है, ए टू पी वाला प्रॉफिट स्टॉक का और ए टू पी वाला फिक्स्ड एसेट का गेन। और यार इधर ए टू पी होता है, यार इधर ए टू पी होता है, दही बना बनाए दिमाग की, वो वर्किंग सेवन थी, ये वर्किंग 5.1 है। या तो आप लॉजिक पे चलें या वो रटे मार लें सफों के, इट्स अप टू यू। मैं तो सादा सी बात करता हूं। अब दोबारा आपको जरा मुझे समझाना पड़ेगा कि वर्किंग 5.1 में चीजें कैसे चलती हैं। किसने बेचा, किसने प्रॉफिट बुक किया, ए ने, तो कौन प्रॉफिट रिवर्स करे, ए, ठीक है। अच्छा, आप ऐसे नहीं करना घर जाके वर्किंग सेवन पी टू ए पी टू ए पी टू ए वर्किंग 5.1 ए टू पी ए टू पी ए टू पी, वैसे करेंगे आप शायद ताकि रट्टा लग जाए। ओके, तो वैसे जरा मैं पूछ रहा था, मैं तो गलती कर दी पूछ के, इधर ए टू पी वाला स्टॉक की रिवर्सल आएगी और ए टू पी वाली फिक्स एसेट की रिवर्सल आएगी और इम्पेयरमेंट आएगी। इन तीनों को नेट करके कैरी डाउन आ जाएगा। इधर हुआ करेंगी एडजस्टमेंट्स। अच्छा मोहतरम, एक मोहतरम ने हेड्स डाउन किए हैं। अच्छा मोहतरम, ये मैं सीआरई एनसीए नहीं निकाल रहा, इसलिए नहीं निकाल रहा कि एट्रीब्यूटेबल वाली वर्किंग मेंट पे करूंगा, इसका भी मैं सीआरई एनसीए नहीं निकाल रहा क्योंकि ये वर्किंग में एट्रीब्यूटेबल वाली एंड पे कर लूंगा। तो इनके जो कैरेट डाउन हैं वो मुझे बता दें ताकि मैं फेस के ऊपर इनको ले जाऊं, वन और जीरो, इनको इंशाल्लाह मैं फेस के ऊपर ले जाऊंगा। तो इनका सीआरई एनसीए के भी मुझे क्यों नहीं टेंशन, एट्रीब्यूट करने है ना, तो एट्रीब्यूट कर लेंगे, कोई मसला नहीं। तो आई हैव कंप्लीटेड वर्किंग 5.1, आई हैव कंप्लीटेड वर्किंग 5.3। अब पीने डाल के मुंह की तरफ आ जाए जी, शुरू करें जी। सेल सवाल में नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल सवाल में नहीं है, तो जीपी पे गुजारा चला लें। 50 + 35 = 85। डन, सबर सबर सबर, आपने खुद नोट करना है सारा, आपने खुद नोट करना है सारा। आगे बता दें, इनकम टैक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं जी, 10 + 8 और टैक्स 6 + 5। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जी 10 + 8 = 18। आगे क्या है, पीबीटी आ रहे हैं तो सबर कर जाए, फिर पीबीटी की एक लाइन छोड़ दें। अच्छा जी, इसके बाद लेस टैक्स जी 6 + 5 = 11। अब मोहतरम एक न्यू मार्कर पकड़ के पीपीटी के ऊपर किसी को याद हो एक लाइन आती थी, तसली से देख रहे हैं सब कुछ, दोनों का लाइन बाय लाइन जीपी ऐड कर दिया, दोनों के लाइन बाय लाइन खर्चे ऐड कर दिए, दोनों के लाइन बाय लाइन टैक्स ऐड कर दिए, तीसरा बोला मुझे भी तो लिफ्ट कराओ, तीसरा बोला मुझे भी तो लिफ्ट कराओ, वो कौन बोला है, एसोसिएट, दोनों की चीजें ऐड होंगी तो तीसरे को भी कहीं डाले ना, अभी तो पैट पैट खेल रहे हैं हम, थोड़ी देर बाद ओसीआई आएगा, ठीक है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए वर्किंग 5.1 में सूर्य जमाना कितना आ गया, 1। चलें यहां तक टोटल्स कर दें, 67 का नाम क्या रखूं जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब उससे ही बनाने, अब उससे ही मैं आपको बना देता हूं, यहां तक आप नोट कर लें। लेकिन आज मेरा मशवरा है डबल अंडर लाइन ना लगाएं क्योंकि पैट के नीचे और भी चीजें आनी है, ओसीआई वगैरह, तो डबल अंडर लाइन ना लगाएं। तो ये तो पुरानी चीजें हैं, यहां तक सारी वर्किंग्स भी कर लें एक दफा।
घर में बोलने हैं, दोनों की चीज़ें लाइन बाय लाइन आ गई, दोनों की चीज़ें लाइन बाय लाइन आ गई, दोनों की चीज़ें लाइन बाय लाइन आ गई। तीसरा बोला मुझे भी लिफ्ट कराओ, इसको लिफ्ट करा दिया। अब ये फिक्रा आप जरा नीचे आके बोल सकते हैं, ये फिक्रा नीचे आके बोल सकते हैं, यानी कि चेयर के नीचे नहीं मैं कह रहा, ये फिक्रा जरा नीचे आके बोले, दोनों के ओसीआई लाइन बाय लाइन ऐड करें, दोनों के ओसीआई तीसरा बोला मुझे लिफ्ट कर, ट्राई करूं हम, ये आपको ट्राई करेंगे, ऐड ओसीआई लाल पकड़ लें, तो ये बार बार जरा बोले, बहुत पुरानी चीज होगी आपकी नई चीज। अच्छा तो ऐड ओसीआई दोनों का ओसीआई लाइन बाय लाइन, ये सरप्लस है ना, रिवेल्यूशन सरप्लस, दोनों का ओसीआई लाइन बाय लाइन, दोनों का ओसीआई लाइन बाय लाइन, 10 को भी ले चलें, 8 को भी ले चलें, दोनों का ओसीआई लाइन बाय लाइन, दोनों का ओसीआई लाइन बाय लाइन। तीसरा बोला क्या क्या फिक्रा क्या लिखूं, शेयर ऑफ ओसीआई फ्रॉम ए, शेयर ऑफ रिवेल्यूएशन सरप्लस फ्रॉम ए, वर्किंग नंबर 5.1 या 5.3, कितना, ये 18 हो गया और ये 0. इसको अलग लाइन में क्यों डाला है यार, पी और एस को लाइन बाय लाइन ऐड करते हैं, इसको हमेशा अलग रखते हैं, ये तो छोटी सी हमारी इन्वेस्टमेंट है, इसको बस साइड पर डाल देते हैं, इधर भी इसको अलग रखना था, इधर भी इसको अलग रखा था। अब ये बार बार आपने फिक्रा बोलना है, दोनों के खर्चे, दोनों की सेल, दोनों की कॉस्ट ऑफ सेल, दोनों का टैक्स लाइन बाय लाइन। तीसरा बोला तो मुझे भी वाला वर्किंग 5.1 होगी, आगे दोनों का ओसीआई लाइन बाय लाइन डाल दिया, तीसरा बोला मुझे भी लाओ, तो जब उसको लाने तो बोले 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 उसको लाने तो परसेंटेज लगा के उधर से ला रहे हैं, तो परसेंटेज लगा के लिया है। अब ओसीआई का टोटल 18.8, पेपर में आपने टीसीआई का टोटल करना है, लेकिन मैं नहीं कर रहा इस वजह से कि इन दोनों को जमा करके जो फिगर आनी है मैंने आगे कहीं यूज नहीं करनी, तो फिलहाल मैं यूज शायद करनी पड़ जाए, लेकिन फिलहाल मैं इस टोटल को जरा कर नहीं रहा किसी वजह से। आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, आपसे मैं एक बात पूछने लगा हूं जो मैं तीसरी दफा पूछने लगा हूं आज, इस 57 में कोई मसला बताओ, इस 57 तो चुप तो उसको बोल लेते, इस 57 में कोई मसला बताओ। हाय 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 हाय, इकबाल भी आशाश कर उठेगा। तो इस 50 करेंगे, इस 57 में हमारा 50 माइनस 10 माइनस 6 भी पड़े, इस पे तो कोई इतराज वाली बात नहीं। इस 57 में एसोसिएट का 20% भी पड़े, वरना ये 56 होता, इस पे भी हमें कोई एतराज नहीं। इस 57 में सब्सिडरी के सारे पड़े हैं, 35 माइनस 8 माइनस 5 सारे पड़े हैं, तो इसलिए हमें एक वर्किंग करनी पड़ेगी, जेट इज एट्रीब्यूटेबल टू, वर्किंग नहीं माधरत, वो तो पीएनएल का फेस ही बनता है। अगली बात बता दो, खड़े रहो, कीप स्टैंडिंग टिल फर्दर ऑर्डर्स। 18.8 में मसला बताओ, 18.8 में इसमें सब्सिडरी का सारा सरप्लस पड़ा है, हमारा सारा कोई मसला नहीं, सब्सिडरी का सारा मसला अजीम, किसी का हमारा हिस्सा कोई मसला नहीं, तो सिर्फ मसला किस में है, 18.8 में पड़े हुए ये जो 8 है इसमें मसला है, और 35 माइनस 8 माइनस 5 22 में मसला है, इन्हीं दोनों में मसला है। अब क्या कर रहे हैं, बस एनसीए निकालें, वो सीआरई शीआरई लिखने की जरूरत नहीं, एनसीए को दे दें, ट्वेंटी टू इंटू 40% 8.8 और 8 इंटू 3.2 क्लियर, ओके हैव अ कुर्सी। अच्छा भाई
अब एट्री यहां तक नोट कर लें, बहुत मजा आ रहा है आज क्योंकि सादा सादा सी बातें हैं। दोनों को लाइन में रहने ऐड कर दिया और तीसरा बोला मेरा भी हिस्सा तुम दो। लाइन बाय लाइन किसके आइटम्स को ऐड करना होता है? पी और एस के, और फिर एंड पे वो एस में मसला हो जाता है तो उसको एट्रीब्यूट करके अलग कर देना होता है। अच्छा भैया, आप मुझे ये बताएं कि व्हाट इज पैट 57, ग्रुप का पैट 57, व्हाट इज ग्रुप की ओसीआई? हमने इसमें क्यों सब्सिडरी की पैट डाला हुआ है? इसलिए कि हमारा उस पर कंट्रोल है, ये शुरू वाली क्लासों में बात हुई थी। हमने इसमें सब्सिडरी का इसलिए डाला हुआ है कि हमारे इस पर कंट्रोल है। तो 57 पैट है, 18.8 ओसीआई है, कोई बंदा टीसीआई बता दे कितने? 75.8। अब आप मुझे बता दें एट्रीब्यूटेबल की कितनी वर्किंग्स होनी चाहिए, किसको एट्रीब्यूट करा दूं? कितने लोग कह रहे हैं 57 को एट्रीब्यूट पहले कराते थे आज भी कराएं? हाथ खड़ा करें। 57 को पहले एट्रीब्यूट कराते थे आज भी कराएं, यानी पैट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट और एनसीआई, ये तो कराते थे, मशहूर जमाना, पुरानी वर्किंग है। कितने लोग कह रहे हैं 18.8 को भी करवाएं पोर्शन, 18.8 को भी, कि इसमें कितना पेरेंट के कितना एनसीआई के, जल्दी हाथ खड़ा करें। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं 75.8 को भी करवाएं? तो अब तीन तरह की एट्रीब्यूशन हो सकती हैं, पैट की भी, ओसीआई की भी, और पैट ओसीआई डाल के जो चीज बनी है उन तीसरी की भी एट्रीब्यूशन हो सकती है। तो देयर आर थ्री ऑप्शंस ऑफ एट्रीब्यूशन। नंबर वन, पैट को बांटे, नंबर टू ओसीआई को बांटे, और फिर पैट और ओसीआई दोनों सामने रख के हो सकते कोई यूजर कहे मुझे टीसीआई की एट्रीब्यूशन भी दिखाओ, तो टीसीआई को भी बांटे। तो किधर है वो एनुअल रिपोर्ट 2019? कोई नहीं जान छोड़ी, किधर है? ऊपर है, ये यार, ये क्या बना हुआ है? कंसोलिडेटेड पी एंड एल, ये क्या बना हुआ है? कंसोलिडेटेड पी एंड एल। ये एंड कहां पे हो रहा है? प्रॉफिट फॉर द ईयर, यानी पैट पे एंड हो रहा है, ये टैक्स माइनस हो गया है ना, और फिर इसको हमने एट्रीब्यूट किया हुआ, ठीक है। ये किसकी एट्रीब्यूशन हो गई? पैट की। ये क्या बना हुआ है? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। इसमें हमने वो 278 दोबारा इधर बुला लिया, पता नहीं ये लोग लंबा काम क्यों कर रहे हैं, 278 और वो वाली फिगरें दोबारा इधर बुला लिया, और पैट में फिर क्या डाला है इन्होंने? ओसीआई। जैसे हमने पैट में क्या डाला था? ओसीआई। तो पैट में इन्होंने ओसीआई डाला है, ओसीआई डाल डूल के इसके भी कोई टोटल आए, तो ये इनका इन द एंड ओसीआई फॉर द ईयर कोई लॉस आ गया, इसको जमा किया तो क्या आ गया? टीसीआई। अब इन्होंने एट्रीब्यूशन किसकी की हुई है? तो मोहतरम टीसीआई की एट्रीब्यूशन की हुई है। इसका मतलब है अकाउंटेंट्स कहते हैं सिर्फ इन दो की एट्रीब्यूशन करो, ओसीआई की एट्रीब्यूशन शायद इतनी इंपॉर्टेंट उनके लिए नहीं है, क्योंकि ओसीआई ने टीसीआई में डाल ही जाना है, तो टीसीआई की एट्रीब्यूशन। देयर वर थ्री ऑप्शंस, जाहिर बात है जब स्टैंडर्ड बन रहा होगा तीनों राय आई होंगी कि पेरेंट एनसीआई, पेरेंट एनसीआई, पेरेंट एनसीआई, ये तीन ऑप्शंस आई होंगी, लेकिन ऑप्शंस कितनी सेलेक्ट हुई बीच में से? दो। सिर्फ इसको पेरेंट और एनसीआई को दे दें और इसको, क्लियर? तो 57 को बांट दें जैसे पुराने तरीके से बांटते थे, जल्दी करें, 57 को बांट दें जैसे पुराने तरीके से बांटते थे, जल्दी करें। कौवा चला हंस की चाल, पुरानी अपनी ना भूल जाइएगा। पैट को बांट दें यार, खुदा के लिए ऐसा कोई फिरका ना पैदा हो क्लास में जो पैट भी नहीं आज बांटा जा रहा उससे, मैं चले खड़ा हो जाता हूं। पैट बांटें जी, पैट बांटें, बांट दिया, शो कैलकुलेशन भी करें रजिस्टर पे। पैट एट्री ब्यूटेबल टू पेरेंट और एनसीआई वर्किंग 5। चलें जी, किसको बांटना है, काले को या नीले को? इस वाले काले को, 57। अच्छा जी,
क्या 57 में सिर्फ पैट्स पड़े हैं? तो फिर ये भी तो पैट ही है. 22 का 8.8, ये मशहूर जमाना पुरानी फिगर 8.8, 48.2, ये तो पुराने तरीके से आ गई. 90% स्टूडेंट्स TCI की एट्रीब्यूशन में खुद कर देते होते हैं. अच्छा जब मैं ऐसी बात करता हूं तो आप ये तो नहीं समझते 10% में ऐसे ना समझा करें, ऐसे प्लीज ना समझा करें. TCI की एट्रीब्यूशन पर कर दें, चीजें बांटने में जुल्म ना कर दीजिएगा किसी के साथ. करो ट्राई, हो गई वेल डन. TCI की एट्रीब्यूशन अच्छा जी कितने उन्होंने कर लिया. अच्छा अभी तो 20 बहुत सारे लॉजिक ये देखिएगा. सब के पैट में से NCI का पैट माइनस कर दो. इसी तरह तो कुछ टोटल पैट में से NCI का पैट माइनस कर दो, क्योंकि वो तो इमरान खान का पेट है. ओके इधर चलें. अब बांटना किसको है? तो पहले तो जिसको बांटना है उसको लिखा करें. ये सबका पैट और OCI है, सबका पैट और OCI है. सबके पैट और OCI में से NCI का पैट, ये ना कहिएगा पैट पहले माइनस कर चुके हैं. इन फिगर से तो आप दोबारा नहीं चल रहे, आप तो इस फिगर से चलने लगे, आप तो 75.8 से चलने लगे हैं. 75.8 में सबका पैट और OCI पड़ा है. ये देख लें, P का पैट भी पड़ा है इसमें, S का भी पड़ा है, OCI उसका एसोसिएट का हमारा हिस्सा भी पड़ा है, दोनों का सरप्लस पड़ा है इसमें, इसलिए इसका भी सरप्लस पड़ा हुआ है. तो इसमें सबका पैट और सबका OCI पड़ा है. जब इसमें सबका पैट और सबका OCI पड़ा है तो NCI का पैट और NCI का पैट और NCI का OCI निकाल दें. वर्किंग नंबर 5.5 और वर्किंग नंबर 5.2 ये निकाल दें. कितना आ गया? 12. 63.8 जी. कितने लोगों ने यही किया था? 63.8 सॉरी वो जी. हाँ ये रेफरेंस देने की क्या जरूरत है? 8.8 और 3.2 जमा करो, 12 आ गया. 75.8 माइनस 12 इज इक्वल टू 63.8. जी बिल्कुल. ना आप पिक लें. ये आज P&L इधर क्यों नहीं खत्म हुआ, इधर जाके क्यों खत्म हुआ है? आज बांटने वाली चीजें ज्यादा थी. अच्छा अब आप ना उर्दू में यहां लिख लें, इसको बांटना है और इसको बांटना है. 57 और 75.8 एडवांस्ड वर्जन देखें. एक साहब ने मोबाइल में आखिरी रो से खींचा है और दूसरे साहब उनके मोबाइल से मोबाइल में खींच रहे हैं अपने. व्हाट्सएप बंद हुआ है दूसरे भाई का लगता है. अच्छा तो सिर्फ किसकी एट्रीब्यूशन होनी है? पैट की और TCI की. किसमें?
जी वो मैं ज़रा बताऊंगा आपको, इस पे थोड़ी अलग एक बहस है। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बता दें कि क्या कहते हैं, कितनी वर्किंग्स ओपन हुआ करेंगी? चार वर्किंग, 5.1 पुराने वाली, और वर्किंग 5.2 और 5.3। एस प्रॉफिट, ए प्रॉफिट, एसओसीआई, एओसीआई, डन। और अगर कभी ये लॉस आ जाए मिसाल के तौर पे 8 इधर हो और 0.8 इधर हो, तो सोचें क्या बनेगा। 8 इधर हो तो 3.2 माइनस, और अगर ये 0.8 की बजाय 0.8 इधर हो तो ये एओसीआई होगा या एओसीआई का लॉस होगा? एओसीआई का। तो 0.8 को जहां जमा किया है वहां माइनस। एक सवाल आएगा, थोड़ा बच्चों को पता नहीं क्यों टफ लगता है। टफ इसलिए लगता है कि प्रॉफिट की रिवीजन नहीं होती। जहां चीजें प्रॉफिट के तौर पे आ रही हैं, 8 है तो ये 3.2 है, तो 3.2 यहां क्या हो रहा है? प्लस। और अगर 8 इधर होता और 3.2 इधर होता? अच्छा, तो इसका तरीका फिर ये कर लेते हैं कि बजाय कि हम इधर उधर के चक्रों में पड़े, हम यहां लिख लिया करेंगे ये प्रॉफिट है। ये क्या है? प्रॉफिट है या सरप्लस है या लॉस नहीं है, ताकि याद रहे कि इस साइड पे प्रॉफिट आएगा, और लॉस आ गया तो दूसरी साइड पे आएगा। फिलहाल इसको लिख लें, किसी दिन लॉस वाला सवाल करेंगे, फिलहाल इसको लिख लें बस। IS 28 के चैप्टर से वापस आ जाएं कंसोलिडेशन के चैप्टर में, और एक एडजस्टमेंट है, आई कैप ने 3 दफ़ा टेस्ट की है, वो हमने क्लास में नहीं की हुई। पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 8 निकालें, पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 101। चलें जी पढ़ें, पॉइंट नंबर 5। यार ये एडजस्टमेंट्स बड़ी आसान आ रही हैं पेपर में। ये देखें, 10 मिलियन शेयर इशू कर दिए पेरेंट ने अपने 24 रुपए के अतबार से, ये कैश पेमेंट कर दी है जिसमें प्रोफेशनल फीस वगैरह पड़ी हुई है। एक्विजिशन डेट के ऊपर कोई फेयर वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है दोनों की, JL NCI को फेयर वैल्यू पर रख रहे हैं और शेयर प्राइसेस दी हुई हैं, और ये प्रॉफिट्स दिए हैं दोनों के करंट ईयर के, ये वाली एडजस्टमेंट मैंने करानी है, ये मशीन बेची है, और ये सेल ऑफ स्टॉक वाली एडजस्टमेंट है, और ये डिविडेंड वाली एडजस्टमेंट है। तो ये अगर क्वेश्चन 12 आप रिवाइज कर लेंगे तो ये एडजस्टमेंट भी आसान है। तो ये 0.5 में कराने लगा हूँ आपको, 0.5। पहले एक मसला देख लें, पेरेंट की किताबों में और सब्सिडरी की किताबों में, ये ना लोन टू JL नहीं, इसको कहते हैं लोन रिसीवेबल, लोन रिसीवेबल। जी मोहतरम, पेरेंट की किताबों में लोन टू JL, टू इधर पेबल्स में आ रहा है, लोन 120। अच्छा सॉरी, एसेट्स में आ रहा है, माजरत, ये एसेट्स हैं और ये बोले क्या है, नहीं लाइबिलिटीज नहीं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो ये एसेट साइड पे आ रहा है, जो एसेट साइड पे आ रहा है डेट इज लोन रिसीवेबल और पेबल। लोन रिसीवेबल किसकी बुक्स में? अगर एस की बुक्स में लोन रिसीवेबल आ रहा है तो इसका मतलब है यू फोन अब इस काबिल हो गई है कि हम उससे लोन मांगने गए हैं। तो पेरेंट ने किससे लोन मांगा हुआ है? सब्सिडरी से। तो उसामा भाई नाम है आपका, थोड़ा सा ऊपर हो जाए। तो अब आप मुझे बता दें किसकी किताबों में लोन पेएबल नजर आना चाहिए? पेरेंट की किताबों में लोन पेएबल नजर आना चाहिए। तो लोन फ्रॉम SL की जगह हमने क्या लिख लिया? लोन पेएबल। अच्छा, अब आप हजरात जो है वो इन दोनों फिगर्स को जरा हाईलाइट कर लें।
एक काम तो पेपर में आपने इजीली मार्क्स ले लेने हैं, इसकी किताबों में से 120 माइनस करना है, इसकी किताबों में से 96 माइनस करना है, यहां भी इजी मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो ये तो इजी मार्क्स होंगे जो पेपर में गेन कर लेंगे आप, लेकिन स्टिल इस एडजस्टमेंट के पूरे मार्क्स लेने के लिए वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, हमें आगे चलना पड़ेगा। अच्छा ये ऐसे ही क्यों लिखा होता है, लोन रिसीवेबल को लोन टू जेएल क्यों लिखा होता है, जरा सोचें। सब्सिडरी कह रही है ये किसकी बुक्स हैं, सब्सिडरी की बुक्स में लोन टू पेरेंट नजर आ रहा है, तो सोचें ये क्या होगा, रिसीवेबल। रिसीवेबल समझ आ गया। पेरेंट की बुक्स में लोन फ्रॉम सब्सिडरी नजर आ रहा है, तो ये क्या होगा, पेएबल। तो टू और फ्रॉम को भी समझें, कल कलाम को बैलेंस शीट में नजर ना आ रही हुई चीजें तो फिर टू और फ्रॉम पर मसला कर सकते हैं, हो सकता है बैलेंस शीट के अलावा ये फिगर्स दे दे आपको। चलें जी पढ़ें। द लोन वॉज ग्रांटेड ऑन यकम जुलाई 17, ठीक है, द लोन वॉज ग्रांटेड ऑन यकम जुलाई 17 एंड कैरीज इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। अ चेक ऑफ 30 मिलियन, वैसे इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 24। अ चेक ऑफ 30 मिलियन इनक्लूडिंग इंटरेस्ट, चेक ऑफ 30 मिलियन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वॉज डिस्पैच्ड बाय पेरेंट। भाई पेरेंट ने इसलिए चेक डिस्पैच करना है कि पेरेंट ने लोन वापस करना है ना। वॉज डिस्पैच बाय पेरेंट ऑन 31 दिसंबर 2017 बट वॉज रिसीव्ड बाय सब्सिडरी आफ्टर, लेकिन सब्सिडरी को कब मिला, आफ्टर ईयर एंड। अच्छा रुक जाए यहां, लोन रिसीवेबल कितना आ रहा है, लोन रिसीवेबल कितना, 120। बीवी को कहो तुमने शोहर से 120 नहीं लेना, बीवी कहेगी अच्छा मैंने नहीं लेना, शोहर ऑटो पे लगा होगा, शोहर कहेगा अच्छा 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 मैंने कौन सा वापस करना था, लोन पेएबल कितना। अच्छा इसमें ना रिसीवेबल वाला पता है क्यों कह रहा होता है ज्यादा रिसीवेबल है, क्योंकि पेएबल वाला पे करके एंट्री कर चुका होता है और पेएबल कम कर चुका होता है, रिसीवेबल वाले को भी चेक रिसीव नहीं हुआ होता तो उसने रिसीवेबल कम नहीं किया होता, ऐसी बात ही होती थी क्लास में, हमेशा सुन लें। इस एडजस्टमेंट की ब्यूटी नोट कीजिएगा, हमेशा रिसीवेबल ज्यादा होंगे पेएबल कम होंगे, चाहे डेटर की एडजस्टमेंट हो, चाहे क्रेडिटर की एडजस्टमेंट हो, चाहे गुड्स इन ट्रांजिट की एडजस्टमेंट हो, जो मर्जी एडजस्टमेंट हो, इसमें हमेशा याद रखिएगा रिसीवेबल ज्यादा होते हैं। बाय डिफॉल्ट इस एडजस्टमेंट के पीछे बैक एंड पे थीम ही है कि रिसीवेबल ज्यादा होते हैं। रिसीवेबल क्यों ज्यादा होते हैं, हमेशा इस वजह से रिसीवेबल ज्यादा होते हैं कि पेएबल वाला पे कर देता है, तो पेएबल वाला जब पे करता है तो पे करते ही चेक बनाते ही एंट्री कर दी। आपने कॉलेज में फीस भेज दी किसी क्रीम बाइक वाले के हाथ से, तो पेएबल वाले ने तो अपना पेएबल कम कर लिया, लेकिन कॉलेज वालों को तब नहीं पहुंचा, तो कॉलेज वाले क्या करें, इट इज स्टिल रिसीवेबल। तो रिसीवेबल्स को खत्म करें और पेएबल्स को खत्म करें, ये इजी मार्क्स पेपर में लें। अगला सवाल क्या कह रहा है, कैश इन ट्रांजिट रस्ते में कितने, 30। अब हमारी एंट्री मैच नहीं कर रही, सवाल से पूछते हैं क्या मसला है, क्या मसला है, नो इंटरेस्ट हैज बीन बुक्ड बाय सब्सिडरी इन इट्स फाइनेंशियल, सब्सिडरी ने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्ट बुक नहीं किया, इट इज एन एरर। मैंने आपको कहा था सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अगर कभी भी सवाल आए तो अज्यूम करेंगे वो सही बनी हुई है, लेकिन वो बेचारा इंटरेस्ट को बुक करना ही भूल गया, कौन, सब्सिडरी। सब्सिडरी ने इनकम बुक करनी है, इंटरेस्ट का एक्सपेंस, इनकम बुक करनी है, एक्सपेंस सब्सिडरी ने इनकम बुक करनी है, क्योंकि वो लोन दे रहा है, लोन दे रहा है। अब जरा इनकम बुक करना भूल गया, जरा मुझे इनकम बुक करवाएं, इनकम बुक करवाएं, इंटरेस्ट
इनकम जरा बुक करवाएं। लोन कितने? यार 96 ना लो लोन। सबर 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 सबर, 96 लोन नहीं है, 96 जो चेक डिस्पैच हुए वो साल के आखिरी दिन हुए है। जब साल के आखिरी दिन चेक डिस्पैच हुए तो इसका मतलब है आखिरी दिन सुबह सुबह आपकी नजर में पूरी फीस पेएबल थी और कॉलेज की नजर में पूरी फीस रिसीवेबल थी, जब तक कि आपने क्रीम बाइक वाले को नहीं बुलवाया था। तो ये मत कहिएगा कि गलती से पेपर में 96 के ऊपर इंटरेस्ट निकालें, पेपर में हमेशा हायर अमाउंट पे इंटरेस्ट निकाल के आने। वजह सुन लें क्या है, भेजने वाले ने चेक भेजा कब साल के, डेट पढ़े कब भेजा, तो भेजने वाले ने चेक कब भेजा, 31 दिसंबर को। तो इसका मतलब है भेजने वाला भी साल के आखिरी दिन में 5-10 मिनट पहले भेजने से कह रहा होगा मैंने भी 120 ही वापस करना है। तो इसलिए लोन जो खड़ा रहा वो तो 120 ही है ना, इसलिए 120 पे इंटरेस्ट निकालिएगा, 96 पे नहीं निकालना, एक हायर फिगर पे निकालिएगा। बस ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हिंट है। इंटू, लेकिन नहीं नहीं नहीं, छह महीने का इंटू 6/6, ये एंट्री हमारी क्या हो गई, पूरी हो गई। लेकिन ये बैलेंस शीट के एंगल से जरा मुझे कराएं, ये तो मैंने P&L के एंगल से कर लिया है। बैलेंस शीट के एंगल से बताएं इंटरेस्ट इनकम को कैसे रिकॉर्ड करूं। बोले 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 SRE क्रेडिट, ये मैं उसकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गलती सही करने लगा हूं, या मैं उसकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गलती सही करने लगा हूं, या कंसोलिडेशन पर्पस के लिए कोई एंट्री कराऊं, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसकी गलती सही करने लगा हूं। चलें जी नोट कर लें। नहीं, ये एंट्री पोस्ट होगी बस। अच्छा मोहतरम, मैं इस साइड पे जाना नहीं चाह रहा था। मैं अब दो लोगों ने असल में सवाल पूछ लिए, इसलिए मुझे 10 मिनट ज़ाया करने पड़ेंगे। इस एंट्री को ज़्यादा डिटेल से मैं अब करवाने लगा हूँ, क्योंकि दो लोगों ने सवाल पूछ लिया। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये चलेगी और टाइम भी बड़ा कम लगेगा, जिस तरह मैंने ये सारी आपको करवा दी है। अगर आप ज़्यादा डिटेल में सोचना चाहते हैं ना, तो फिर मैं आप पूरी एंट्रीज़ आपको करके दिखाऊंगा। फिर अब आपने तसल्ली से बैठना है, उसमें लोन की अलग एंट्रीज़ मैं करूँगा, इंटरेस्ट की अलग एंट्रीज़ करूँगा, इन ट्रांजिट की अलग एंट्रीज़ करूँगा। जो लोग दूसरे एतबार से सोच रहे हैं उनके लिए बात करने लगा हूँ। पहले पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे सीधे मार्क्स लेने का तरीका सुन लें। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी जल्दी कीजिएगा। उसकी किताबों में रिसीवेबल है, इसकी किताबों में पहले तो इस एडजस्टमेंट के मेरे ख्याल से 2 मार्क्स होंगे, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5। तो पहले तो आप पेबल को डेबिट कीजिएगा, रिसीवेबल को क्रेडिट कीजिएगा। ये करने के बाद सवाल में नज़र मारिएगा कितने का चेक भेजे। अ चेक ऑफ 30 वॉज डिस्पैच्ड बट वॉज रिसीव्ड बाई सब्सिडरी आफ्टर। तो ये चेक फील हो गए आपको रस्ते में है, ये अंग्रेजी पढ़ के फील हो रहे रस्ते में है, तो इन ट्रांजिट में कितना डाल दीजिएगा, 30। इसके बाद सब्सिडरी इंटरेस्ट बुक करना भूल गई है, और अल्लाह का शुक्र है हमारी एंट्री भी क्रेडिट साइड पे टैली नहीं हो रही। तो सब्सिडरी इंटरेस्ट कौन सा वाला बुक करना है, खर्चे वाला, इनकम वाला? इनकम वाला। तो इनकम बुक करने की एंट्री इनकम क्रेडिट। अब अगर वो हमारे हाथ में नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स P&L, तो फिर हम क्या कर देंगे इसको SRE में। अगर आप चाहते हैं तो इस एंट्री की जगह पेपर में आप 3 एंट्रीज करें, इस एंट्री की जगह पेपर में 3 एंट्रीज करें। 1 by 1 लेके चलें, लोन रिसीवेबल को पहले क्रेडिट करें, कितना, 120, और लोन पेएबल को कितना, 96। इन दोनों का डिफरेंस 24 रुपए, कैश इन ट्रांजिट। ये मैं प्रिंसिपल से अभी खेला, सिर्फ कैश इन ट्रांजिट 24 रुपए, डन। अगली, नो इंटरेस्ट हैज बीन रिकॉर्डेड बाय SL इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। SL ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं किया। मुझे बताएं, SL ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं किया, तो SL ने क्या ईयर एंड पे एक एरर कर दी है? बिल्कुल कर दी है। इस एरर की रेक्टिफिकेशन की असली एंट्री अब मैं आपको बताने लगा हूं।
अगर आप इंटरेस्ट रिकॉर्ड ना करें, इसकी वाहिद वजह यह है कि आपको मिला नहीं है। अब अगर मिला नहीं है तो मिले बल है, मिले बल की एंट्री होती है इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम पेरेंट डेबिट एंड इंटरेस्ट इनकम, ये एंट्री करें आप। इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितना? 6 रुपए। अब आपने आपस का रिसीवेबल खड़ा कर लिया कैंसिल करने की बजाय, अब आपस का रिसीवेबल आपने खड़ा कर लिया कैंसिल करने की बजाय, ये तो एक लोन का प्रिंसिपल रिसीवेबल कैंसिल कर बैठे और इंटरेस्ट का रिसीवेबल खड़ा कर बैठे। अब इंटरेस्ट का रिसीवेबल जो आपने खड़ा कर लिया, इसको क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। सोच के बताएं अब उसकी किताबों में पेबल कितना आ रहा है? ओ यार 6 कैसे आ रहे? अ चेक वॉज डिस्पैच्ड, उसने तो भाईजन पेमेंट कर दी है। अ चेक वॉज डिस्पैच्ड, तो पेबल क्रेडिट किया होगा या बैंक क्रेडिट किया होगा? अ चेक वॉज डिस्पैच्ड, आपने क्रीम बाइक वाले को पैसे दिए। अब मैं पागल हूं कहूंगी आपकी किताबों में पेबल नजर आ रहा है, आपने तो पे कर दिया। अ चेक वॉज डिस्पैच मीन्स के पेबल रिकॉर्ड किए या बैंक क्रेडिट किया? पेबल क्रेडिट किए या बैंक क्रेडिट किया? तो भाई जन भेजने वाले तो बैंक क्रेडिट किया है, तो बता दें उसकी किताबों में चेक डिस्पैच होने की वजह से या आपने घर से फीस भेज दी उस वजह से आपकी किताबों में कितना पेबल आ रहा है? इंटरेस्ट पेबल पूछ रहा हूं कितना आ रहा है। अब अगर इंटरेस्ट पेबल जीरो आ रहा है तो इंटरेस्ट पेबल जीरो उसको अब आप डेबिट कर दें ताकि पेबल खत्म हो, वो तो जीरो है अब में इंटरेस्ट पेबल डेबिट, और आपस का जो रिसीवेबल खड़ा किया है उसे खत्म करें। इंटरेस्ट रिसीवेबल खत्म करें कितना? 6 का बैलेंसिंग फिगर, बाकी किधर है फिर? इन ट्रांजिट। तो ये दोनों तरीके हैं इंटरेस्ट पोस्ट करने के। लेकिन अगर मैं इसको इससे काट दूं, देखें जरा इसको इससे काट दूं, जिस तरह मैं शॉर्टकट में चला हूं, तो एंट्री तो वही बन गई, एंट्री तो यही बन गई ना। कैसे? लोन पेएबल 96, CIT 30, इंटरेस्ट इनकम 6, लोन रिसीवेबल। तो या ये एंट्री कर लीजिएगा पेपर में, लेकिन अगर आपने डिटेल में सोचने तो फिर आप ये एंट्री कर लीजिएगा। और आपकी बात बिल्कुल सही, एस ने अपनी सेपरेट किताबों में एंट्री नहीं की तो उसकी एंट्री यही बनती, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा इस तरह एंट्री करने में पेपर में। कर लें नोट। अब इस एडजस्टमेंट की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास 10 मिनट है, उसके लिए मैं आपको 2 सवाल पास पेपर की ओर देने लगा हूं। ओके, क्या पसंद करेंगे, इधर वाली उधर वाली? इधर वाली कर ली पसंद, ठीक है। तीन तू ही लेके गया हूँ, उतने आ गए वापस। अच्छा तो ठीक है, कोई मसला नहीं। अब आप मुझे ये बता दें मोहतरम के उधर वाली मेरा मशवरा है, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे ये बता दें PNL के एंगल से को सोचें, PNL के एंगल से। अच्छा यार ये जो है ना इनकम और एक्सपेंस का बैलेंस शीट के एंगल से नहीं सोचना होता, बस बैलेंस शीट में आपने बस ये कर देने, आज बैलेंस शीट में SRE में जाकर इंटरेस्ट बुक हो रहा होगा, लेकिन इनकम एक्सपेंस बैलेंस शीट में कैंसिल ना कीजिएगा। बैलेंस शीट में क्या कैंसिल करने होते हैं? सिर्फ रिसीवेबल्स और पेएबल्स। तो इनकम एक्सपेंस बैलेंस शीट में कैंसिल ना कीजिएगा। आपस की इनकम बुक हो रही है कोई मसला नहीं, उधर एक्सपेंस एक बंदा डाल रहा है दूसरा इनकम डाल रहा है, वो कैंसिल हो जाएंगी। आपस की एक्सपेंसेस इनकम बुक ना कीजिएगा। पास पेपर क्वेश्चन 4 की डिस्कशन मैंने आपसे की भी है, तो इनकम एक्सपेंस बुक, इनकम एक्सपेंस को बस रिकॉर्ड कर दीजिएगा, हो रहा है होने दें, कोई मसला नहीं। दिखने में आपको लगेगा आपस की इनकम बुक हो रही है, घर जाके ये माइंड में किसी ना किसी दिन आएगा, लेकिन फिर इसका जवाब ये सोच लीजिएगा इनकम एक्सपेंसेस बैलेंस शीट के सवालों में इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस और मैनेजमेंट फीस इनकम मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस बैलेंस शीट के सवालों में कैंसिल नहीं करने होते। हाँ अगर इनके कोई रिसीवेबल पेएबल हों वो बैलेंस शीट में कैंसिल करने होते हैं। यहां तक बात मेरी मुकम्मल हो गई? अच्छा अब इसकी पोस्टिंग जरा जाके देख लेते हैं सोल्यूशन के अंदर। इसकी पोस्टिंग किस पेज के ऊपर है? 117। इसकी पोस्टिंग देख लें जी, वन बाय वन चलवाएं। 96 माइनस है ना लोन पेएबल में से, ये 96 माइनस हो गया, 30 कैश इन ट्रांजिट में डालना है,
ये नहीं, नई लाइन ना पेपर में डालिएगा, इसे करंट एसेट्स में डाल दीजिएगा 30। ये कैश इन ट्रांजिट ऐड हो गया। इंटरेस्ट इनकम बुक करनी है, परेशान नहीं होना कि इनकम मैं बुक कर रहा हूं, नो टेंशन। इसके रिसीवेबल पेबल के बारे में टेंशन लेनी है कि कैंसिल होना चाहिए। ये इंटरेस्ट इनकम बुक होगी एसआरई में आके, ये उस सवाल का जवाब है नो इंटरेस्ट हैज बीन अक्रूड बाय एस, तो इंटरेस्ट हमने अक्रू करा दिया। अच्छा आगे चलें, लोन रिसीवेबल, लोन रिसीवेबल बोले कितने से, 120 से, कितना 120, ये माइनस हो गया 120। डन। अगर आप मुझे पी एंड एल के एंगल से ये एडजस्टमेंट कर देते हैं तो आई विल रियली सल्यूट यू। पी एंड एल के एंगल से मैं एक काम करने लगा हूं, ये प्लस 6 करना है, इधर हमें समझ आ गया। ये 6 कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है, ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एरर सही हो रही है। अब मैं जरा सवाल की अंग्रेजी पढ़ता हूं, नो इंटरेस्ट हैज बीन बुक्ड बाय एस, उसने तो इनकम बुक करनी थी ना, नो इंटरेस्ट हैज बीन बुक्ड बाय एस, तो एस की इंटरेस्ट इनकम में ये 6 आ रहे। अच्छा उसने तो पे कर दिया था, तो पे करने वाली चीज अकाउंटेंट भूलता नहीं, मींस इंटरेस्ट इज बुक्ड इन एक्सपेंसेस बाय पी, ही हैज ऑलरेडी बुक्ड, द सब्सिडरी हैज नॉट बुक्ड, ये बुक कर दें, इन द एंड कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट इनकम और एक्सपेंस को काट दें। बट वन थिंग इज स्टिल लेफ्ट, ये एसआरई टाइप चीज है, तो एस प्रॉफिट में ये 6 जाएगा, एस प्रॉफिट में ये 6 जाएगा। नहीं नहीं, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट एस प्रॉफिट में नहीं होनी होती, वो इधर आके -6 -6 होगी, बस एस प्रॉफिट में बोले क्या जाने 6। साइड बता दें जरा, ना ना डेबिट साइड नहीं भाईजान, कैंसिल नहीं करना, इनकम क्रेडिट, आपस का प्रॉफिट, कोई नहीं, पीएनएल के मुंह पे आके कैंसिल हो जाएगा, टेंशन ना ले। द सब्सिडरी हैज नॉट बुक्ड द प्रॉफिट, करें तो सही ना, कर तो लें एक दफा, वो मैं कर रहा हूं बुक, इधर लाके कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो बता दें इसी को पोस्ट करना होता है ना, और ये तो कंसोलिडेशन पर्पस के लिए एंट्री थी। चलें जी, अब वो पास पेपर के क्वेश्चन 5 की एडजस्टमेंट 5 कर दें, पास पेपर के क्वेश्चन 5 की एडजस्टमेंट 5, पी एंड एल के एंगल से भी कर दें, बैलेंस शीट के एंगल से भी, पहले बैलेंस शीट के एंगल से करें। एक बात मैं बार बार कर रहा हूं, बैलेंस शीट में रिसीवेबल पेएबल कैंसिल करने हैं और पी एंड एल में इनकम एक्सपेंस। अगर आपको कभी फील हो बैलेंस शीट में इनकम एक्सपेंस आपस के रिकॉर्ड हो रहे हैं तो इस बात को जेन से निकाल देना। पांच का पांचवा, यू हैव 2 मिनट्स ओनली, बैलेंस शीट से चलें। The loan was granted by YL to BL on Jakam July 14, पिछले साल के पहले दिन।
जी मोहतरम, जिसकी किताबों में एसेट साइड पे पड़ा हुआ है वो इसको कहेगा रिसीवेबल, और जिसकी किताबों में लाइबिलिटी साइड पे पड़ा हुआ है वो इसको कहेगा पेएबल। इन दोनों में कितने सारे? चार का। ओके, 30/16 की रात को पेरेंट कह रहे 16 मिलियन मुझे दे दो, सब्सिडरी कह रही है नहीं नहीं मैंने 12 देने हैं, क्या वजह बनी होगी? शायद 28-29 जून को सब्सिडरी ने भेजा होगा चार भेजा होगा ना, जो पी को नहीं मिला होगा, शायद ये वजह होगी। इसलिए पी अभी तक आपने फीस भेज दी है, कॉलेज में नहीं पहुंची, सब्सिडरी ने उधार उतार दिया, इधर सब्सिडरी ने उधार लिया हुआ, सब्सिडरी ने उधार उतार दिया, पेरेंट को अभी तक नहीं मिला। जरा देखते हैं सब्सिडी ने चेक किस दिन बनाया। द लोन वॉज ग्रांटेड बाय वाइल टू बी एल एन जकम July 14 एंड कैरेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पेएबल एनुअली। द प्रिंसिपल इज पेएबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 4 मिलियन ईच। शायद पिछले साल भी कोई इंस्टॉलमेंट पे हुई हो, तो शायद पिछले साल भी कोई इंस्टॉलमेंट पे हुई हो, हमें उससे टेंशन नहीं। हमारे साल कितनी इंस्टॉलमेंट पे हुई है? 4 की। ऑन 30 जून सब्सिडरी एंड पे गेम डालती है, ऑन 30 जून, 30 जून की रात सब्सिडरी ने को चेक बना के भेजा 5.92 का, जो पेरेंट को अगले साल जाके मिला 2 जुलाई को। पहले इसको छोड़ें, इसको छोड़ें, पहले जो डाटा अवेलेबल है उसकी बेस पे एंट्री कर लें। जी नहीं नहीं, पहले ना रिसीवेबल वाले तुमने रिसीव नहीं करना, 16। अब पेबल वाला क्या कहेगा? ऑटो पे लगा हुआ कहेगा मैंने भी पे नहीं करना। अच्छा, कैश इन ट्रांजिट क्वेश्चन के मुताबिक कितने? अ चेक ऑफ 5.92 वाज रिसीव्ड आफ्टर हियर एंड मींस इट इज इन ट्रांजिट, 5.92। अब ये एंट्री मैच नहीं कर रही, लेकिन इतनी सी एंट्री करने से भी अल्लाह का शुक्र है हमें 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे 2 में से। नो इंटरेस्ट हैज बीन रिकॉर्डेड बाय पी। पी ने कौन सा वाला इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है? इनकम वाला, एक्सपेंस वाला? इनकम वाला, तो इसने इंटरेस्ट बुक नहीं किया हुआ, और इधर इंटरेस्ट साल का बुक होगा क्योंकि लोन पिछले साल का दिया हुआ, तो पिछले साल का पूरा इंटरेस्ट पिछले साल, उसकी टेंशन नहीं। हमारे साल का इंटरेस्ट बता दें, लोन हाई हायर वाले पे लगा लें आपने 16 × 1.92, लेकिन ये किसकी इनकम है? ये इंटरेस्ट इनकम का लॉस काट के ये बैलेंस शीट के एंगल से होगी। मैंने कहा बैलेंस शीट के एंगल से ये ना सोचें इंटरेस्ट इनकम बुक हो गई है, इसे उठाने बैलेंस शीट के एंगल से ऐसे ना सोचें। आप इसको किसके एंगल से करना है जी? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम के। जी इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक तो पेपर में आपको गिवन होगा पी प्लस एस। अच्छा जी, अब आप फिलहाल ना सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरा मुझे गलती सही करवा दें, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की गलती सही करवा दें, प्लस 1.92, और दूसरे ने तो खर्चे में डाला होगा ना, तो अब कंसोलिडेशन पर्पज से एक एंट्री करवा दें -1.92। लेकिन अब एस प्रॉफिट में कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसी सूरत में किसने बुक नहीं किया हुआ? पेरेंट ने, तो एस प्रॉफिट को खोल के खाली छोड़ दें। सीआरई टाइप चीजें एस प्रॉफिट में जाती हैं, एसआरई टाइप चीजें एस प्रॉफिट में जाती हैं, सीआरई टाइप नहीं जाती। पास्ट पेपर के क्वेश्चन 1 की सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट कर दें, और जो लोग ये नोट करें वो नोट कर लें। अच्छा भाई जान, इधर देखें, ये भाई ने सवाल पूछ लिया है, अब मैं थोड़ी सी डिटेल में जाने लगा हूं जहां मैं जाना नहीं चाह रहा था। इधर देखें, भाई जो भी है, ये हमारा साल है, हमारा साल का एंड हो रहा है 30 जून 16, और शुरू कब हो रहे हैं? 1/7/15। हमें अभी तक पैसे नहीं मिले, तो हमारी किताबों में रिसीवेबल है, ठीक है? हमारी किताबों में रिसीवेबल कितने हैं? 20। ये रिसीवेबल पिछले साल हमारी किताबों में शायद 24 होगा, क्यों? क्योंकि वो सवाल कह रहे हैं ना, हर साल पेमेंट हो रही है, तो पिछले साल हमारी किताबों में ये 24 होगा, इस साल हमारी किताबों में कितने हैं? 20। तो हमें इस तरह सोचने की जरूरत नहीं है, वो टाइम लग जाएगा, बस हम 20 और 16 का डिफरेंस कितना निकाल लें? 4।
चले 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 यार, पहला सवाल करें। पास पेपर क्वेश्चन वन, पास पेपर क्वेश्चन वन में सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट। नो एरर इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा जी भाई जान, लोन का कोई प्रिंसिपल पे नहीं होना, इसलिए चेक शुक का कोई चक्कर नहीं है इधर, इन ट्रांजिट का भी कोई चक्कर नहीं है। दिस लोन इज रीपेबल आफ्टर 5 ईयर्स, तो कोई रीपेमेंट वगैरह नहीं है इधर। एक की किताबों में कितना रिसीवेबल है? 30। दूसरे की किताबों में सारे लोन है, कोई ये एक लोन नहीं है, तो सारे लोन है। कैसे पता चला? यहां ये नहीं लिखा हुआ ना, यहां दूसरे का नाम नहीं लिखा हुआ, तो लॉन्ग टर्म लोन्स बोरोइंग्स काफी सारी बोरोइंग्स हैं, उसमें से हमारी कितनी होगी? क्योंकि हमारी वापस तो हो नहीं रही, इसको इंट्रांजिट बोंगी नहीं माना, ये इंट्रांजिट है। ठीक है, तो सवाल ने कहा जब रीपेमेंट ही 5 साल बाद होनी है, तो फिर हम ये नहीं कह सकते रीपेमेंट हो रही है। तो इसका मतलब है 30 हमारा आपस का लोन है और 42 अदर्स है, तो 42 की टेंशन नहीं लेनी आपने। टेंशन किसकी लेनी है? और ये एडजस्टमेंट क्लास में 2 दफा मैं करा चुका हूँ, ये 30 और 72 वाली फिगर से ही मुझे याद है। आप 30-30 को उल्टा दें, पहले 30-30 को उल्टा दें। बैलेंस शीट के लिए मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं ना, सवाल भी बैलेंस शीट के। लोन पहले रिसीवेबल को खत्म करें, लोन रिसीवेबल 30 और लोन पेएबल 30। कोई चेक वगैरह इसलिए इशू नहीं हुआ कि रीपेमेंट 5 साल बाद होनी है। इंटरेस्ट वगैरह बुक करने में किसी ने एरर की होती तो सवाल बताता, इंटरेस्ट वगैरह बुक करने में भी कोई एरर नहीं हुई, तो ये कंसोलिडेशन पर्पस के लिए बैलेंस शीट के अतवार से एंट्री सही है। अब पी एंड एल के एंगल से इसका इंटरेस्ट कितना है? 12%। तो नहीं, सेमी एनुअल है, लेकिन पी एंड एल में गया तो पूरे साल का होगा ना, क्योंकि साल के एंड पे हो रहा है, तो कोई रिसीवेबल पेएबल है आपस का जो कैंसिल करना है? क्यों नहीं रिसीवेबल पे? अच्छा, इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल क्यों नहीं है सवाल में? क्योंकि 30 जून और 31 दिसंबर को पे हो रहा है ना, तो क्या रिसीवेबल पेएबल इंटरेस्ट वाला कैंसिल करने की जरूरत है, या इंटरेस्ट वाला रिसीवेबल पेएबल भी कैंसिल करने की जरूरत नहीं? क्योंकि पे कब हो रहा है? 30 जून को बस। तो अगर लिखा होता ना कोई 30 जून की बजाय 1 जुलाई या 1 जनवरी, वो फिर और बात होती, तो रिसीवेबल पेएबल भी कैंसिल नहीं करना। ओके, इंटर, हाँ, इस एडजस्टमेंट को ना पेपर में इग्नोर करना था, इंटरेस्ट निकाल के कुछ करना नहीं था, इस एडजस्टमेंट को पेपर में इग्नोर करना था, पूरे पॉइंट 4 को इग्नोर करना था, बस ये पता चलना था कि 5 साल बाद लोन वापस होने, इसलिए प्रिंसिपल्स कैंसिल कर दें। पी एंड एल में ना आप क्या करेंगे, आप 30 पे निकाल लेंगे 12%, कितना? 3.6, और ये रेड मार्कर से माइनस कर देंगे दोनों जगह 3.6। ये पी एंड एल के एंगल से होगा। अब आखिरी दफा मैं ये बात करने लगा हूं, आपको अजीब सी तो लगेगी, लेकिन इसको एब्जॉर्ब कर लेना आपने इसी तरह, क्योंकि इसमें किताबों में ना थोड़ा इख्तलाफ है। जिस तरफ आपका जहन लॉजिक पे जा रहा है, कुछ किताबों वाले उस तरह करते थे, आई कैप ने भी 1-2 दफा उस तरह किया, लेकिन बाद में आई कैप ने उससे तौबा कर ली थी। वो बात क्या है वो सुन लें। बैलेंस शीट बनाते हुए आपस की इनकम एक्सपेंस कैंसल नहीं करनी, बैलेंस शीट बनाते हुए आपस की इनकम एक्सपेंस कैंसल नहीं करनी, दिखने में लग रहा होनी चाहिए नहीं करनी। इस सोल्यूशन में आई कैप ने वैसे कर दी थी, लेकिन कुछ फॉरेन ऑथर्स को इससे इख्तलाफ है। उसके बाद आई कैप ने जब ये सोल्यूशन री अपलोड कर दिया था दोबारा, तो आपस की इनकम एक्सपेंस भी कभी कभी कैंसिल करता था आई कैप, लेकिन अब नहीं करनी। दोनों तरह के आर्गूमेंट्स हैं। अच्छा, बैलेंस शीट बनाते हुए इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस कैंसिल नहीं करना,
अगली बात और ज्यादा मजे की है, लेकिन अगर इनकम और एक्सपेंस किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ वो कर दीजिएगा रिकॉर्ड। ऐसा ही है, अभी करके आए ना दो जगह पे रिकॉर्ड, तो अजीब सी बात है, बट इसको ऐसे ही समझ। बैलेंस आते हुए आपस की इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस कैंसिल नहीं करना बैलेंस शीट बनाते हुए, लेकिन अगर किसी ने इनकम एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया वो रिकॉर्ड कर दीजिएगा, ताकि एक की किताबों में इनकम पड़ी हुई दूसरी किताबों में एक्सपेंस आ जाए तो आपस में वो शायद खुद ही कैंसिल हो जाए। अच्छा, सिमिलरली बैलेंस शीट बनाते हुए मैनेजमेंट फीस इनकम और मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस कैंसिल नहीं करना, लेकिन अगर किसी ने मैनेजमेंट फीस इनकम या एक्सपेंस बुक नहीं की हुई वो बुक कर लीजिएगा। बुक करते हुए ये ना सोचिएगा आपस की इनकम एक्सपेंस बुक कर रहा हूं, ये सोचेंगे तो जाहिर बात है देन लॉजिक की साइड पे फिर और भी निकल जाएगा। और पीएनएल बनाते हुए जो इनकम्स और एक्सपेंसेस हैं उन्हें कैंसिल करना है, लेकिन अगर किसी एक ने इनकम या एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया हुआ उसको रिकॉर्ड करें, फिर कैंसिल तो दोनों के बुक्स में होगा। ठीक है जी, अब ये बात आखिरी दफा सुन लें। बैलेंस शीट बनाते हुए आपस का इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस और आपस की मैनेजमेंट फीस इनकम एक्सपेंस कैंसिल, लेकिन अगर किसी ने रिकॉर्ड नहीं की इनकम एक्सपेंस वो सीआरई एसआरई में जाकर रिकॉर्ड कर दीजिएगा, पीएनएल हुआ तो एस प्रॉफिट में जाकर रिकॉर्ड कर दीजिएगा। और पीएनएल बनाते हुए आपने सिर्फ आपस की इनकम और एक्सपेंस कैंसिल करना है, लेकिन अगर किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ तो रिकॉर्ड जरूर कर दीजिएगा, लेकिन बाद में कैंसिल भी करना है। और बैलेंस शीट में क्या कैंसिल करना है आप ये बता दें, लोन रिसीवेबल पेएबल का प्रिंसिपल, इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल और मैनेजमेंट फीस रिसीवेबल और पेएबल। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं लेक्चर के पार्ट बी में मैंने क्या कराना है। इधर बैठ के लेना चाहते हैं आप इधर बैठ के ले लें, घर जाके लेना चाहते हैं घर जाके ले लें, बेहतर है जो लोग इधर बैठ सकते हैं बैठ जाएं। ये ज़रा रिकॉर्डिंग ऑन रखना भाई, इसको भी बंद ना करना। मैं आपको ये लेक्चर पार्ट बी के बाद दो सवाल आज होमवर्क में दूंगा। ये एक तो पेज 173 पे होगा, पेज 174 पे होगा हमारा क्वेश्चन 4। ये पेरेंट और सब्सिडरी की बैलेंस शीट दी हुई है और कुछ एडजस्टमेंट्स आ रही हैं, इन दोनों में से मैंने कुछ इग्नोर भी करानी है, और ये आपस के रिसीवेबल पेएबल और वो सारी चीज़ें आ रही हैं। इस सवाल को मैं बताऊंगा और इसके बाद क्वेश्चन नंबर वन भी करना ज़रूरी होगा, इस वजह से कि क्वेश्चन नंबर वन में इन द एंड उसने दो चीज़ें मांगी हुई हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एंड ओसीआई। तो वो जो हमने नई चीज़ सीखी आज वो भी इस सवाल के अंदर होगी, क्योंकि इस सवाल में सरप्लस भी दिए हुए हैं पेरेंट और सब्सिडरी का, पेरेंट और एसोसिएट का, सब्सिडरी का सरप्लस उसने उसी तरह नीचे जाके दिया हुआ है अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, कार्ड दे के आ जाओ, दो मिनट में मैं शुरू कर रहा हूँ, और ये सवाल डिस्कशन अटेंड किए बगैर होमवर्क ना कीजिएगा वरना मसले आएंगे।